सो नाओ वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड देन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ओके दिस टॉपिक इज कॉल्ड आई मीन इंडिविजुअली ये लास्ट ईयर तक एक इंडिपेंडेंट चैप्टर था बट अब इस साल के सिलेबस में क्या कर दिया फ्रिक्शन इन सॉलिड्स और इलास्टिसिटी को फ्यूज कर दिया वी विल कॉल इट एज द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर पार्ट वन ऑफ द चैप्टर दैट वॉज फ्रिक्शन इन सॉलिड्स ये हम लोगों ने कर लिया आगे चल के और एक पार्ट आएगा फ्रिक्शन इन लिक्विड्स लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो एज ऑफ नाउ वी नीड टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ वर्ड इलास्टिसिटी अब देखो ये टॉपिक है क्या जैसे इलास्टिक आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इलास्टिक का मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल वेन एवर आई टॉक अबाउट इलास्टिक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज वॉट यू टेक अबाउट अ रबर बैंड ओके यू टेक अ रबर बैंड एंड इफ यू पुल दैट रबर बैंड तो इट विल गेट स्ट्रेच्ड राइट वो इलोंगेट हो जाएगा बट इफ़ यू रिलीज इट वॉट हैपन्स इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल शेप दैट इज द जनरल थाट दैट कम्स इन टू आवर माइंड वेन एवर आई टॉक अबाउट इलास्टिक या फिर आप एक बात करो जैसे यू नो यू टॉक अबाउट चुविंग गम आप जब च्यूंगम खाते हो ठीक है उस गम को जब आप अपने चबाने के बाद जब आपने अपने दातों से, से निकाला होगा बचपन में कभी ना कभी एवरी वन एज डन दस ठीक है दर इज नथिंग टू गेट अ uh, there, there's nothing to feel gross about it. Right? Everyone, everyone, you, me, everyone has done that. So whenever you use that, you know, chewing gum, what you do, like, usko chabate chabate, ap aise bahar nikalte ho. Now, definitely, wo elongate ho jata hai. ठीक है एक end is in your mouth, the another end is in your hand. It gets elongated. But अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो वापस आपके मुंह में नहीं चला जाता right? उसका मतलब क्या Chewing gum को अगर आपने stretch किया और stretch करने के बाद उसको छोड़ा तो वो अपना शेप वापस ले नहीं पाता बट इफ़ यू टॉक अबाउट रबर बैंड तो अगर आपने रबर बैंड को ऐसा खींचा और अगर छोड़ दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे और साइज़ पर कैसा हो जाता है वापस आ जाता है राइट सो दैट इज समथिंग दैट आई हैड टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द यू नो टॉपिक इलास्टिसिटी नाउ लेट्स गेट इन द डिटेल्स लाइक देर आर यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल एक टाइप का मटीरियल होता है इट इज़ कॉल्ड हेज़ परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल ओके इट इज़ कॉल्ड एज़ वर्ट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल मतलब वही अगर आपने उसको खींचा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा और अगर छोड़ दिया तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा मतलब क्या कैन आई से अ परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल इज द वन दैट कंप्लीटली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज वेन एवर द फोर्सेज आर रिमूव फ्रॉम इट अब ये देखो वॉट डू यू मीन बाई फोर्सेज आर रिमूव फ्रॉम इट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में एक रबर बैंड है पहले मुझे उसको खींचना पड़ेगा ना जब मैं उसको खींचूंगा तब ये जाके लंबा होगा सो वेन यू पुल दिस रबर बैंड फ्रॉम बोथ दी एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्ट डी फॉर्मिंग फोर्स आई रिपीट दिस इज कॉल्ड एज वर्ट डी फॉर्मिंग फोर्स डी फॉर्मिंग फोर्स क्यों क्योंकि उसने उसका ओरिजिनल फॉर्म जो था उसको बिगाड़ दिया ना द ओरिजिनल फॉर्म द ओरिजिनल साइज एंड द शेप इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स सो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो रबर बैंड की लेंथ को बढ़ाने के लिए दैट इज कॉल्ड एस वर्ट डीफॉर्मिंग फोर्स सो इलास्टिक फो इलास्टिसिटी में जो पहला मटीरियल है दैट वीन ई टू स्टडी इज कॉल्ड एस वर्ट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है एक ऐसा बॉडी दैट कम्प्लीटली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज वेन एवर द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड फ्रॉम इट राइट पहले आपने खींचा फिर जब जैसे ही आप ये फोर्सेज हटा दोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आई मीन अपना ओरिजिनल से शेप और साइज पे वापस आ जाएगा दैट इज call. कॉल tell मी परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल सेकेंड क्या होता है पार्शियली इलास्टिक मटीरियल सेकेंड क्या होता है पार्शियली इलास्टिक मटीरियल पार्शियली इलास्टिक जैसे आपको नाम से ही पता चलता है इसमें क्या होगा मान लो ओरिजिनल लेंथ है इतना आपने उसको खींचा और जब छोड़ दिया तो वो वापस छोटा तो होगा बट ये छोटा होकर पहले जितना नहीं हो पाएगा राइट तो लेटर से दो ओरिजिनल लेंथ फाइव सेंटीमीटर आपने उसको खींच के दस बना दिया

आप उसका शेप और साइज चेंज कर दो और जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा दिए तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ पे वापस नहीं आ पाएगा जैसे फॉर एग्जांपल रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथती है ठीक है मम्मी किचन में उस आटे से आप एक आटे छोटा सा एक टुकड़ा ले लो आटे का आप उसको खींच दो जब आप उसको खींचोगे तो लंबा हो जाएगा बट अगर आपने उसको छोड़ दिया वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर जाने वाला नहीं है सो दैट इज़ वॉट यू कॉल वट परफेक्टली प्लास्टिक मटीरियल नाव एज़ वी कैन थिंक ईजीली डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक मटीरियल हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है इस चीज़ में पढ़ने के लिए दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल ठीक है तो इस पूरे चैप्टर में ठीक है इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं ठीक है ना वॉट इज़ परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल जैसा हमने बुलाया जैसा मैंने आपको बताया कि आप उसको खींचते हो ठीक है आप उसको खींचते हो अच्छा जिस फोर्स से आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कॉल्डर्स वॉटल मी इट इज कॉल्डर्स डी फॉर्मिंग फोर्स राइट इट इज कॉल्ड वॉट डी फॉर्मिंग फोर्स तो पहले आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे जिसकी वजह से उसका लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अब जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा दी है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे वापस आ जाएगा दैट इज वॉट कॉल कॉल्ड वाटल मी परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं रबर बैंड के बारे में बात करूँ आपने वो येलो कलर का स्माइली का बॉल देखा होगा जहां पर यू you नो know, ऐसा बॉल होता है विद अ स्माइल राइट येलो कलर का स्पॉन्ज का बना हुआ सो दैट स्पॉन्ज वाला बॉल जो होता है अगर मान लो आपने उसको दो हाथों के बीच में रखकर ऐसे कंप्रेस कर दिया तो वैन यू कंप्रेस वट हैपन्स उसका साइज़ और शेप क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप हाथ हटा लोगे वापस वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज क्या करेगा रीगेन कर लेगा सो दैट बॉल इज ऑल्सो वट एन मी परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल ठीक है हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ के बारे में ओके, सो लेट मी गिव यू यू नो एग्जांपल्स टू स्टार्ट विद अ चैप्टर जैसे मान लो ओके okay, जैसे मान लो देर इज अ वायर इस वायर को इस सीलिंग पे मैंने ऐसे रख दिया देर इज़ अ वायर ऐसे ठीक है एंड पहले ये वायर ऐसा ही है ऐसे ही इट इज़ हैंगिंग फ्रीली ठीक है मैंने यहाँ पे कुछ वजन वगैरह रखा नहीं इट इज़ हैंंग फ्रीली देन लेटर से यू हैव यू नो अ स्फेरिकल बॉल वही इस्माइली के बॉल के बारे में बात कर रहा हूँ लेटर से यू हैव अ स्फेरिकल बॉल एंड देन लेटर से इस ग्राउंड पे ओके लेटर से ऑन दिस ग्राउंड ऑन दिस ग्राउंड एक बॉडी रख दिया आपने ऐसे छोटा सा बॉडी अच्छा बॉडी का ये जो नीचे वाला एरिया है ना दिस एरिया दिस एरिया इज़ फिक्सड मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास एक स्पॉन्च का बड़ा सा टुकड़ा लिया आपने एक स्पॉन्च का टुकड़ा यहाँ पे रखा और उसका जो बेस है ना उस बेस को ग्राउंड के साथ आपने ग्लू कर दिया फिक्स कर दिया ठीक है फेविकोल डाल के ऐसा चिपका दिया तो दिस स्पॉन्च का ऊपर वाला पार्ट इज फ्री टू मूव बट नीचे वाला जो पार्ट है इट इज ग्लूड इट इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड ठीक है तो ये फिक्सड वर्ड मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू ड्रॉ समथिंग देयर बट यू कैन राइट इट एज अ नोट दैट द बॉटम मोस्ट पार्ट और द बेस एरिया ऑफ दिस यू नो ऑफ दिस स्पॉन्ज और वट एवर बॉडी इट इज इट इज़ ग्लूड टू द ग्राउंड इट इज़ फिक्स टू द ग्राउंड ठीक है तो तीन एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं पहला वाला कौन सा एक वायर ले लिया फिर मैंने एक स्वेरिकल बॉल ले लिया और फिर एक बॉडी लिया है थ्री डायमेंशनल बॉडी होगा ये एंड इसका जो बेस है उसको मैंने ग्राउंड पर क्या कर दिया फिक्स कर दिया ठीक है अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ मैंने यहाँ पर रख दिया एक मास अब जैसे ही आप यहां पर एक मास रखोगे डेफिनेटली ये मास के ऊपर ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज वेट एंड दैट वेट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड राइट ये जो वेट है वो एक्ट करेगा किधर वर्टिकली डाउनवर्ड और ये जो एम आएगा ये जो एम आएगा इस एम की वजह से यहां पर टेंशन इज क्रिएटेड यहां पर टेंशन इज क्रिएटेड नाउ इफ यू रिमेंबर टेंशन इज वॉट Along the string, away from the ends, I mean away from the body and from both the ends. So if one tension is here, there is one more tension here. So tension yabya. Right? Now, don't you think in tension wire that wire is getting stretched? I repeat, that wire is getting stretched. And now when the wire gets stretched, can I say? लेटेस्ट है यहाँ पर आपने वेट रख दिया अब ये जो वायर लंबा हो रहा है ये जो वायर लंबा हो रहा है कुछ देर के बाद आपको वायर ऐसा दिखेगा दिस इज़ योर वायर यहाँ तक ये यह आपका बॉडी है इसका मास एम ओके एंड यहाँ पे टिल दिस लेवल यू हैड योर ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक आपके पास जो था यहाँ तक आपके पास जो था वो है आपका ओरिजिनल लेंथ ओके दिस इज़ योर ओरिजिनल लेंथ ठीक है जो पहले भी था लेकिन इतना सा जो लेंथ है, दिस इज़ योर एक्सटेंडेड लेंथ राइट इस एक्सटेंडेड लेंथ को आप डेल्टा एल लिख सकते हो या फिर किसी किसी बुक में इसको ई e लिखा रहता है ई फॉर एक्सटेंशन ठीक है सो नाव डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ एल ठीक है दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ एल एंड ऑन दिस लेंथ वेन यू पुट दिस वेट ये वेट क्या करेगा इस वायर को खींचेगा और ये जो वेट जब इसको खींचेगा तो वायर का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो इतना सा ओरिजिनल लेंथ था एल ये देखो ना यहां तक तो पहले वायर था इतना सा उसका लेंथ बढ़ चुका है और ये जो लेंथ बढ़ा दैट विल बी कॉल्ड कॉल डॉट डेल्टा एल और ई ई फॉर एक्सटेंशन

क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ओके द फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग इज वॉटल स्ट्रेस और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अब देखो कितना फोर्स अप्लाई किया तुमने वॉट इज योर अप्लाइड फोर्स इज वॉटलम एम जी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस वायर का कुछ तो थिकनेस होगा एंड दट थिकनेस विल है and दैट एरिया आई एम राइटिंग इट एज ए तो आपके लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया अटल में स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर कितना एम जी अपॉन ए ठीक है आपके लिए फॉर्मूला क्या बन गया एम जी अपॉन ए ठीक है नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इस स्ट्रेस का इस स्ट्रेस का आपने ये जो फोर्स अप्लाई किया ना ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया ये फोर्स पर यूनिट एरिया आई मीन पर नॉट इट इज़ नॉट पर यूनिट एरिया इट्स लाइक दिस फोर्स पर एरिया ऑफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिविंग यू वर्टल मी स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया एम जी बाई कॉमन सेंस है अगर ये दस किलो होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं टेन जी मतलब हंड्रेड तो स्ट्रेस कितना होता हंड्रेड अब होने दिए अगर यहाँ पर ट्वेंटी के जी होता तो मतलब आपने ज्यादा वेट रखा अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ज्यादा वेट रखा तो ये वायर को ज़्यादा खींचेगा ज्यादा खींचेगा मतलब क्या ये जो डेल्टा है या फिर ये जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा होगा अगर आपने ट्वेंटी के जी की जगह पर मे बी अगर आपने फिफ्टी के जी रखा अगर आपने फिफ्टी के जी रखा तो फिर क्या होगा डेफिनेटली जितना ज़्यादा वेट रखोगे वायर उतना ही लंबा होगा बट वेट को मैं कितना भी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अगर आपने वेट को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाया तो वायर टूट तो जाएगा इज एंट इट सेंसिबल वेट को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो अगर आपने वायर के ऊपर जो वेट रखते हो अगर आप कंटिन्यूसली बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए ये तो चलेगा नहीं आपका वायर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल ब्रेक आर यू गेटिंग इट वी डोंट वांट टू गो टू द ब्रेकिंग पॉइंट ठीक है वी डोंट वॉन्ट टू

चेंज इन डायमेंशन अपॉन और डायमेंशन मैं आपको जेनरल फॉर्मूला बता रहा हूं जेनरल फॉर्मूला मैंने बोला है लिखा मैंने स्पेसिफिक फॉर्मूला स्ट्रेन का जेनरल फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन डायमेंशन आप चाहिए तो अपने बुक में मार्जिन पर लिख लेना इट इज वॉट चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ना वेन आई टॉक अबाउट वायर वायर में कौन सा डायमेंशन डोमिनेट होता है डेफिनेटली लेंथ वायर में आप बोलोगे सर एरिया भी तो होता है बट वायर के लिए एरिया इज़ वेरी वेरी नेग्लेजिबल हाँ अगर मैं सिलेंडर की बात करता तो एरिया भी बहुत ही ज्यादा वेटेज रखेगा बट एक पतले से वायर के लिए एरिया इज वॉट नेग्लेक्टेड तो विच डायमेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन डायमेंशन कौन सा यहाँ पर लेंथ

योर औरिजनल लेंथ औरिजिनल लेंथ कितना था एल तो चेंज कितना हो गया डेल्टा एल हो गया तो वट इज़ योर चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल अपॉन औरिजनल लेंथ औरजनल लेंथ कितना था एल तो यहाँ से आपको क्या मिला यहाँ से आपको मिला स्ट्रेन का फॉर्मूला दैट इज वॉट एल मी डेल्टा एल अपॉन एल आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आए जब आप वायर पर वेट रखते हो तो उस वेट रखने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे दैट यू आर पुटिंग सम स्ट्रेस ऑन द वायर एंड दैट स्ट्रेस हैज व्हाट फार्मूला अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अप्लाइड फोर्स कितना है एम जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस विच एज अ फॉर्मूला फॉरवर्ड एम जी बाय ए इस स्ट्रेस का एक इफेक्ट आया एंड दैट इफेक्ट इज वॉट की वेन यू पुट सम वेट हियर द वायर गेट्स एक्सटेंडेड एंड दैट एक्सटेंशन इज द इफेक्ट And that effect is what tell me change in length upon original length and change in length is delta L upon original length is sirf L right original length is sirf L so strain is what tell me delta L upon L okay strain is delta L upon L fine now let's talk about the second case let's talk about the second case what will happen here is आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है ठीक है आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है इस बॉडी पे मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ चारों एंड से और लेटर से आई एम अप्लाइंग सम फोर्स यहाँ से ऐसा मैंने पुश किया यहाँ से ऐसा मैंने पुश किया राइट वो स्माइली वाला बॉल का एग्जाम्पल इफ़ यू रिमेंबर दो हाथों के बीच में रख के उसको दबा दो तो आपका बॉल क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा सो हियर इज़ अ स्फेरिकल बॉडी अब स्माइली वाला बॉल ही यू नो कंसिडर करो आपने उसको चारों साइड से फोर्स अप्लाई किया

तो मैं यहां पर क्या लूंगा सरफेस एरिया यहां पर मैं क्या लूंगा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी आपका मतलब एरिया से जैसे यहां पर वायर था तो वायर में मैंने एरिया कौन सा लिया क्रॉस सेक्शन का यहाँ पर एक थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल बॉडी है तो यहां पर मैंने एरिया कौन सा लिया सर्फेस एरिया हालांकि सर्फेस एरिया लिखने की जरूरत नहीं है बट रिमेंबर दैट एरिया इज वॉट सर्फेस एरिया तो आप स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखोगे अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ठीक है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया फाइन अब कितना फोर्स अप्लाई किया तुमने फोर्स जो अप्लाई किया वो है एफ अपॉन एरिया क्या है ए अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर हो जाएगा ना हाँ हो सकता है है ना फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेशर को पी ठीक है मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रेशर को पी नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आपने जब ये फोर्स अप्लाई किया आपने जब ये फोर्स अप्लाई किया उसके पहले ध्यान से सुनो मेरा बात आपने जब ये फोर्स अप्लाई किया आपने जब उसको यहां से चारों साइड से दबाया उसके पहले राइट बिफोर दैट क्या इस बॉडी पे कोई प्रेशर था हाँ कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी उसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एंड देन यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा बाय सम अमाउंट आई होप यू आर गेटिंग इट इस फोर्स को अप्लाई करने से पहले ठीक है बिफोर आई ड्रू दीज यू नो ब्लू Arrows. उसके पहले भी सम प्रेशर वॉज देशर प्रेशर वॉज वॉट पी तो एंड अब मैं जब ये फोर्स अप्लाई करता हूं so, ये कितना हो गया ऑलरेडी जो प्रेशर था वो और ये डेल्टा पी कब आया बिकॉज आपने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो so, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है स्ट्रेस का मतलब होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया अप्लाइड फोर्स अपऑन एरिया करोगे तो अप्लाइड फोर्स की वजह से कौन सा प्रेशर बढ़ा क्या ये पी बढ़ा पी प्लस डेल्टा पी बढ़ा या सिर्फ डेल्टा पी बढ़ा आपके फोर्स की वजह से कौन सा प्रेशर आ रहा है पिक्चर में पी आ रहा है पी प्लस डेल्टा पी आ रहा है या सिर्फ डेल्टा पी आ रहा है तो डेफिनेटली सिर्फ डेल्टा पी आ रहा है ना क्योंकि इस फोर्स की वजह से तो सिर्फ डेल्टा पी आ रहा है पिक्चर में तो यहां पर मैं स्ट्रेस को क्या लिखूंगा डेल्टा पी और किसी किसी बुक में डेल्टा पी को डी पी भी लिखना है तो यहां पर क्या आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट डी पी राइट मैंने आपको क्या बोला एवरी स्ट्रेस वेन यू अप्लाई विल हैव सम इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज वर्ड स्ट्रेन तो यहां पर भी इस स्ट्रेस का भी तो कोई ना कोई इफेक्ट आएगा एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज वर्ड स्ट्रेन और यहां पर आप क्या करोगे दिस इज स्ट्रेन और स्ट्रेन का मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन राइट आई रिपीट इट इज़ वॉट चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन तो यहां पर आपका कौन सा डायमेंशन चेंज होगा सोचो एक अगर बॉल है अगर आप उसको कंप्रेस कर देते हो अगर आप उसको कंप्रेस कर देते हो तो वो चारों साइड से दबेगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है तो जैसे यहां पर डायमेंशन तो क्या लिखा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पर मैं क्या लिखूंगा यहां पर मैं लिखूंगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है यहां पर आप क्या लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम नाउ टेल मी वॉट विल हैपन जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे मान लो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है वी ठीक है मान लो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है वी फिर आपने ये फोर्स अप्लाई किया ये फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली जो बॉल है उसका साइज जो है वो कम होगा राइट उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा और ये तो अभी आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो तो पहले आपके बॉल का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था वी बट नाउ इट हैज बिकम वॉट मी स्मॉलर दैट स्मॉलर मतलब क्या ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा वी से थोड़ा कम थोड़ा कम मतलब माइनस डिग्री यहां पर देखो ओरिजिनल जब आप यहां पे वेट रखते हो लेंथ बढ़ता है बड़ा मतलब फाइनल लेंथ कितना हो गया एल प्लस डेल्टा यहां पर क्या हो रहा original volume v है ओरिजिनल वॉल्यूम वी है ना वेन यू आर कंप्रेसिंग वेन यू आर कंप्रेसिंग आपका वॉल्यूम कम हो रहा है कम हो रहा है मतलब क्या इस वी से थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम मतलब क्या वी माइनस डिग्री आर यू गेटिंग इट वेरिंग मैंने क्या बोला था यहाँ पर चेंज इन लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ मतलब क्या यहाँ पे ऐसा होगा देखो लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल अपॉन ये क्या है ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या लेंथ इनिशियल सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब क्या वॉल्यूम इनिशियल नाउ टेल मी वन थिंग व्हाट इज़ योर फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना है वी माइनस डी वी राइट वी माइनस डी वी माइनस वी आई वी आई मतलब क्या ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सिर्फ वी जितना अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सिर्फ वी है राइट ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सिर्फ वी है तो फिर ये वी और ये माइनस वी कैंसिल हो जाएगा एंड योर स्ट्रेन हैज वॉट फॉर्मूला माइनस ऑफ डी वी बाई वी स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाय वी

Now, एक चीज और यहां पर आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया दैट स्ट्रेस इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, मतलब आप इसको क्या बोलोगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है वो क्या है अलोंग द लेंथ तो आप इसको क्या बोलोगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा एम जी बाई ए ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर वर्ड लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेस के लिए ठीक है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेस के लिए एम जी बाय ए ये जो स्ट्रेन है स्ट्रेन क्या चेंज इन लेंथ अपॉन और लेंथ तो दिस स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल ये भी किसके लिए हो जाएगा लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेन के लिए अच्छा दिस स्ट्रेस इज मेकिंग द चेंजेस अलॉन्ग द वॉल्यूम और ये जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया वो भी पूरे वॉल्यूम पे बॉल इज कंप्रेस्ड फ्रॉम एवरी वे इसको हर जगह से आपने कंप्रेस किया सो दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉट वॉल्यूम स्ट्रेस ओके इस स्ट्रेस को आप क्या बोलोगे वॉल्यूम स्ट्रेस और ये जो डीपी आया डी पी मतलब क्या फोर सपोर्ट एरिया याद है ना आपको फोर सपोर्ट एरिया मैंने प्रेशर क्यों नहीं देखा क्योंकि ओरिजिनली तो एटमोस्फेयरिक प्रेशर था ही फिर तुमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो प्रेशर आया दैट इज डेल्टा पी सो व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर आई मीन व्हाट इज दिस स्ट्रेस कॉजिंग इट इज पी पी प्लस डेल्टा पी और ओनली डेल्टा पी द आंसर इज ओनली डेल्टा पी तो यहां पर दिस स्ट्रेस दैट यू हैव डी पी इट इज कॉल्ड एज वट इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस विल हैव फॉर्मूला डी पी सिमिलरली दिस स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज वॉट वॉल्यूम स्ट्रेन और ये जो आपका आंसर आया ना माइनस ऑफ डी वी बाई वी इस स्ट्रेन को भी हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन ठीक है इस स्ट्रेन को भी हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन सो सो फार हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो पहले मैंने वायर को खींच के उसका लेंथ बड़ा कर दिया उसका लेंथ बड़ा कर दिया सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज चेंज अलोंग लेंथ जो पहले हमने पढ़ा वो क्या है चेंज अलॉन्ग द लेंथ फिर सेकेंड जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज वॉट चेंज अलॉन्ग वॉल्यूम ठीक है सेकेंड टाइम हमने जो पढ़ा वो क्या है चेंज अलॉन्ग वॉल्यूम ठीक है ना जस्ट आप ये चीज़ों को मिक्स ना कर दो दैट्स वाई एम ड्रॉइंग अ मार्जिन ईयर

इज द चेंज अलोंग शेप द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज वट चेंज अलोंग शेप मतलब क्या अब आप इस बॉडी के शेप को बदलने वाले हो आप क्या करोगे थोड़ा सा सोचो यू हैव अ बॉडी इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था इस बॉडी का जो बेस है दैट इज फिक्स टू द ग्राउंड उसको अपने ग्राउंड पर चिपका दिया है अब अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ किधर ऑन द टॉप सर्फेस अगर मैंने आपको फोर्स अप्लाई किया डोंट यू थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट अगर एक स्पंज का टुकड़ा जिसका बॉटम मैंने फिक्स कर दिया फेविकोल के साथ ग्राउंड पर चिपका दिया अगर ऊपर वाले एंड को मैंने ऐसा पुश किया तो डोंट यू थिंक ये जो बॉडी है वो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा राइट यू नीड अ लिटल बेट ऑफ विजुअलाइजेशन इसका जो बॉटम है उसको मैंने फिक्स कर दिया है बॉटम को फिक्स कर दिया और ऊपर ऐसा पुश करूंगा तो डेफिनेटली यह बॉडी ऐसा टेढ़ा होगा राइट बॉडी ऐसा थोड़ा सा बेंड होगा एंड दैट बेंड आई कैन शो इट दिस वे बेंड होने के बाद ये जो बॉडी है वो ऐसी देखेगी और ये मैं ओरिजिनल जो शेप है उसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। राइट right, तो ये जो डॉटेड चीज है डॉटेड चीज है वो क्या है यहाँ पर आपका बॉडी पहले था लेटमी यू नो नेम इट एज ए बी सी एंड डी एट दिस पॉइंट तो पहले मेरा बॉडी किधर था ए बी सी डी पे था ठीक है पहले मेरा बॉडी किधर था ए बी सी डी पे था फिर आपने एक फोर्स अप्लाई किया एंड उस फोर्स की वजह से ए शिफ्ट हो गया ए डैश पे ओके ए शिफ्ट हो गया ए डैश पे बी शिफ्ट हो गया बी डैश पे बट सी एंड डी आर देयर ओनली राइट ए हैज शिफ्टेड टू ए डैश बी हैज शिफ्टेड टू बी डैश बट सी एंड डी आर देयर ओनली सिंपल रीजन बिकॉज सी ओ डी तो फिक्स किया था ना आपने स्पंज के उस पार्ट को आपने ग्राउंड से चिपका दिया था फेविकोल के साथ सो सी एंड डी आर नॉट मूविंग ओनली एंड अब अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने चेंजेस लाए इस स्ट्रेस को अगर आप पढ़ोगे सो दिस स्ट्रेस जैसे इस स्ट्रेस का नाम क्या है लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस इसका नाम क्या है वॉल्यूम स्ट्रेस वैसे इस स्ट्रेस का भी एक नाम है एंड दिस इज कॉल्ड एज श्योरिंग स्ट्रेस इस स्ट्रेस का नाम क्या है श्योरिंग स्ट्रेस एंड जैसा कि एवरी स्ट्रेस एज अ सिंपल फॉर्मूला देखो ये स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया ये स्ट्रेस क्या है फोर्स अपॉन एरिया उसी तरह ये स्ट्रेस का भी एक फॉर्मूला होगा जो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा लेकिन यहां पर हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया कौन सा एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड ठीक है देखो ये भी स्ट्रेस है ये भी स्ट्रेस है ये भी स्ट्रेस है दिस स्ट्रेस इज वट फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया दिस इज ऑल्सो वॉट फोर्स अपॉन एरिया दिस इज ऑल्सो वॉट फोर्स अपॉन एरिया बट दिस इज वॉट फोर्स ये जो अप्लाइड फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ वेट ये जो फोर्स है वो क्या अप्लाइड फोर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन इस बॉडी को ताकत लगा के आपने कंप्रेस किया और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है जो आपने टेंजेंशली अप्लाई किया बॉडी के टॉप सरफेस पे यहां पर आपने कौन सा एरिया लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वायर आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर आपने कौन सा एरिया लिया सर्फेस एरिया क्योंकि मेरा जो फोर्स अप्लाइड है इट इज अलॉन्ग द सर्फेस मैंने फोर्स अप्लाई किया है यहां पर जो एरिया होगा वो क्या होगा ऊपर का जो टॉप एरिया होगा ना लाइक इफ यू कैन इमेजिन अ क्यूब तो ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो जो ऊपर का एरिया होगा सर्फेस एरिया आई मीन सॉरी द टॉप एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड आपको वो वाला एरिया लेना है तो यहाँ पर आपके शियोरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है ओके आपके श्योरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा इट इज ओनली एफ अपॉन ए ठीक है शियोरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो एवरी स्ट्रेस विल हैव सम इफेक्ट यहाँ पर जो स्ट्रेस अप्लाई किया इफेक्ट क्या देखा लेंथ बढ़ गया यहाँ पर जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया इफेक्ट क्या बोला देखा वॉल्यूम कम हो गया अब यहां पर जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो यहां पर जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो उस स्ट्रेस का भी दर इज एन इफेक्ट एंड वॉट इज दैट इफेक्ट दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज वर्ड श्योरिंग स्ट्रेन इट इज कॉल्ड एज वर्ड श्योरिंग स्ट्रेन एंड जैसा कि यहां पर क्या था इट वॉज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहां पर क्या था चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अब यहां पर आप ऐसा नहीं सकते, ऐसा नहीं लिख सकते चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप थोड़ा सा यहां पर अलग है ये ये वाला स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है दिस स्ट्रेन एज अ डेफिनेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ओके लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है लैटरल डिस्प्लेसमेंट अब देखो लुक एट द डायग्राम व्हाट इज ए बी सी डी ए बी सी डी इज द ओरिजिनल शेप नाउ वे डिड यू अप्लाई द फोर्स यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन पॉइंट ए सो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ एफ ऑन पॉइंट ए ए किधर शिफ्ट कर गया ए डैश पे तो कहना ए लैटरली शिफ्ट हो गया लैटरल लैटरल मतलब क्या अलोंग द साइड ए साइड में थोड़ा शिफ्ट हो गया ए से ए डैश पे चला गया जो बी है वो बी डैश पे चला गया तो वट डू यू मीन बाय लैटरल लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का का मतलब क्या? से ये जो बाई अपॉन डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड अच्छा कौन सा लेयर डिस्प्लेस हुआ है टॉप वाला राइट right? कौन सा लेयर डिस्प्लेस हुआ है टॉप वाला और फिक्स्ड लेयर कौन सा है बॉटम वाला तो टॉप वाले से बॉटम वाले तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा आई एम बीइंग मोर प्रेसाइज यहां पर दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर तो डिस्प्लेसमेंट वाला लेयर कौन सा हुआ टॉप वाला और फिक्स लेयर कौन सा है बॉटम वाला तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एडी तो यहां पर क्या हो गया ए ए अपॉन एडी ठीक है शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा ए ए डैश अपॉन एडी ना इफ़ यू थिंक अ लिटल अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला होता अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला होता तो आप ज़रा सोचो वर्ड टैन थीटा टैन थीटा क्या हो जाता टैन थीटा क्या हो जाता टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट देखो यहाँ पर थे तो नाइन्टी डिग्री है ये नाइन्टी डिग्री मतलब ये हाइपोटेनिस हो गया अपोजिट क्या हो जाता है इसके अपोजिट होता है ए डैश अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाता है ए डी तो डोंट यू थिंक दिस ए ए डैश अपॉन ए डी स्टैन थीटा राइट ए ए डैश अपॉन ए डी इज वेल मई टेन थीटा तो वॉट इज योर श्योरिंग स्ट्रेन टेल मई आवर श्योरिंग स्ट्रेन इज टेन थीटा श्योरिंग स्ट्रेन कितना है टैन थीटा सो देन यू अंडरस्टैंड वन थिंग हमने तीन तरह के यू नो स्ट्रेस पड़े लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जब आप वायर पर अप्लाई करोगे वॉल्यूम स्ट्रेस जब आप एक स्फेरिकल बॉडी पर अप्लाई करोगे और शियरिंग स्ट्रेस जब आप एक एक फिक्स्ड बॉडी पे अप्लाई करोगे फिक्स्ड बॉडी एसन उसका बॉटम आप फिक्स कर दो देखो अगर आपने बॉटम फिक्स नहीं किया तो यू नो व्हाट विल हैपन व्हेन यू अप्लाई द फोर्स द एंटायर बॉडी विल स्टार्ट मूविंग तो ऐसा वो शेप चेंज होगा ही नहीं तो शेप चेंज होने के लिए मैंने उसको नीचे से फिक्स कर दिया ठीक है एंड एवरी स्ट्रेस विल हैव इट्स ओन इफेक्ट ये वाले स्ट्रेस का इफेक्ट है लॉन्जीट्यूडल स्ट्रेन इसका जो इफेक्ट आएगा वो आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन और इसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा शियरिंग स्ट्रेन क्या आएगा

अगर आपके जो एंगल होते हैं अगर उनके वैल्यूज़ बहुत ही स्मॉल होते हैं सो देन टैन थीटा को आप अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो राइट इवन साइन थीटा कैन अप्रोक्सीमेटली रिटर्न कैन बी रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली थीटा तो अगर मैं टैन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ तो किसी किसी बुक में शायद आपको शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू ऐसा मिल जाए शीयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू टैन थीटा इट इज़ इक्वल टू थीटा ठीक है इट इज़ वट

ओके, सो नाउ आफ्टर लर्निंग द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड उनके करस्पोंडिंग स्ट्रेन पढ़ने के बाद व्हाट एल्स वी कैन स्टडी इज यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ देर इज समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ so in your notebook write on the next heading as Hooke's law the spelling is H O O K E H O O K E Hooke's law now what is that law Chalo, आइए dekhte. we need to study something called as Hooke's law अब ये law कहता क्या है don't you think किसी भी बॉडी पे अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे I repeat जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उसका इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा वायर पे जितना ज्यादा वेट वो उस वायर को उतना खींचेगा बॉल पे जितना ज्यादा फोर्स बॉल उतना ही छोटा होता जाएगा राइट right? और यहां पे जो बॉडी था सीधा बॉडी उस पर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ये बॉडी भी उतना ही इंक्लाइन होता जाएगा सो कहना सी इफ स्ट्रेस इंक्रीजेस इवन द स्ट्रेन विल इंक्रीज इट इज सो कॉमन टू अंडरस्टैंड राइट इट्स बेसिक सेंस सो हु उन्होंने वही बोला दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ठीक है इसका एक्चुअल स्टेटमेंट मैं आपको कुछ देर बाद लिखवाऊंगा बट पहले आप इसको समझ लो हुक्स लॉ था क्या हुक्स लॉ ये था दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा जितना कम स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही कम स्ट्रेन भी मिलेगा सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड वी नो दैट वेन एवर यू नो दिस प्रपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव वी पुट अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कैपिटल एम वो जो कॉन्स्टेंट था वो क्या था कैपिटल एम वेयर कैपिटल एम इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज कॉल्ड एज वॉट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है कैपिटल एम क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छा अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ ठीक है तो यहाँ पर देखो y मतलब क्या स्ट्रेस m मतलब क्या कैपिटल m एक्स मतलब क्या स्ट्रेन और इसके पीछे कुछ नहीं मतलब मैं सब प्लस जीरो तो लिख ही सकता हूँ सो so, मेरा सी मतलब क्या वाई इंटरसेप्ट विल बी वट सी तो इफ यू कंपेयर स्ट्रेस विल बी ऑन वाई एक्सिस स्ट्रेन विल बी ऑन एक्स एक्सिस इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन विद अ स्लोप ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी राइट स्लोप ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ इफ आई प्लॉट अ ग्राफ अ ग्राफ ऑफ Stress on y axis and strain on x axis, it is going to be a straight line passing from origin. Okay, it is going to be a straight line passing from origin. And is straight line ka jo slope hoga? Is straight line ka jo slope hoga? That slope, slope m, is going to be what tell me modulus of elasticity capital M. That slope is going to be what tell me modulus of elasticity capital M. तो ये हो जाएगा आपका हुक्स लॉ नाउ इट इज टाइम कि हम हुक्स लॉ तीनों केसेस में अप्लाई करें फर्स्ट वाला कौन सा था चेंज अलोंग द लेंथ राइट फर्स्ट वाला क्या था चेंज अलोंग द लेंथ सो अलोंग द लेंथ में अगर आप नहीं अप्लाई किया अच्छा यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं क्या बिफोर आई स्टार्ट विथ यू नो इंडिविजुअली अप्लाई करने से पहले यहां पे कहना है राइट ऑन वन बोथिंग इफ आई राइट स्ट्रेस इज वट एम टाइम्स स्ट्रेन व्हाट इज एम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा ना तो इसका मतलब क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपऑन स्ट्रेन राइट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अच्छा छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको पहले बताना भूल गया दैट इज ये जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब क्या होता है कोई भी फोर्स अपॉन एरिया ना तो फोर्स मतलब क्या न्यूटन और एरिया मतलब क्या मीटर स्क्वायर तो जहां पर आपने स्ट्रेस लिखा था वहां पर लिख दो स्ट्रेस का यू नो यूनिट विल बी वट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन तो पहले आपने क्या किया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो लेंथ अपॉन लेंथ तो कैंसिल हो गया राइट right? फिर आपने क्या किया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम यूनिट कैंसल हो गया तो याद रखना स्ट्रेस का जो यूनिट होता है स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेन कैसा होता है यूनिटलेस होता है स्ट्रेन कैसा होता है यूनिटलेस होता है तो so, देखो स्ट्रेस इज वर्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेन इज यूनिटलेस तो वट इज मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट ये भी तो वही हो गया ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यार काफी सिंपल सी चीज है ठीक है आई जस्ट फॉर गॉट इट टू डिस्कस विथ यू इनिशियली तो रिपीटिंग इट नाउ लेट्स टॉक नाउट्स अलॉन्ग देंथ अलॉन्ग लेंथ अगर आपने लिखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो वो क्या कहा जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन राइट अलॉन्ग द लेंथ वो क्या हो जाएगा लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेन फाइन ओके, व्हाट एल्स अगर मैंने अप्लाई किया ये तो अलोंग द लेंथ है ना अगर मैंने अप्लाई किया अलोंग द वॉल्यूम अलोंग द वॉल्यूम अगर आपने अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन ठीक है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा अलॉन्ग द वॉल्यूम एंड अगर आपने अलॉन्ग द शेप अप्लाई किया अलॉन्ग द शेप अगर आपने अप्लाई किया इन दैट केस उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के नाम क्या हो जाते हैं उनके नाम हो जाते हैं श्योरिंग स्ट्रेस अपॉन शियोरिंग स्ट्रेन क्या नाम हो जाता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन श्योरिंग स्ट्रेन टी वन थिंग लॉन्जीट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेन तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है एम एम मतलब क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं कहता हूँ वाई वाई इज वट यंग्स मॉड्यूलस इस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो नाम है नाम तो हमेशा वही होगा मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी बट वेन यू अप्लाई दिस अलॉन्ग द वॉल्यूम इट विल बी रिटर्न एज के वेर के इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस एंड वेन यू अप्लाई द सेम थिंग अलॉन्ग शेप इट इज कॉल्ड एज ईटा वेर ईटा इज कॉल्ड एज वर्ट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मैं आपको सारे नाम लिख के देता हूँ ठीक है आई विल जस्ट गिव यू ऑल दीज नेम्स दिस के ओके दिस के इज कॉल्ड एज वर्ट इट इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस इट इज कॉल्ड एज वर्ट बल्क मॉड्यूलस दिस ईटा इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ रेजिडिटी इट इज कॉल्ड एज वर्ट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और ये जो वाई है दिस वाई इज कॉल्ड एज वर्ट यंग्स मॉड्यूलस इट इज कॉल्ड एज वर्ट यंग्स मॉड्यूलस तो मतलब ये वाई के और ईटा ये तीनों ही एम ही है एम वट इज एम एम मीन्स वर्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्ट्रिसिटी बट ये कैसा इट्स अ जनरल नेम इट्स जनरल नेम व्हेन यू अप्लाई दिस अलॉंगस व्हेन यू थिंग अलोंग द शेप इट बिकम्स रिजिडिटी तो अगर मैंने इनके यहां पर वैल्यूज डाले तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा यंग्स मॉड्यूलस मतलब क्या वाई आप अपने बुक में जाकर देखो आपने longitudinal stress का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने लिखा है फॉर्मूला एम जी अपॉन ए राइट right? आपने फॉर्मूला क्या लिखा है एम जी अपॉन ए अपॉन लॉन्जिट्यूटनल स्ट्रेन क्या है स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल राइट स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल तो फिर यहाँ से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यस एम जी बाय ए डेल्टा एल इन द डिनोमिनेटर एल विल गो इन द न्यूमेटर तो आपके लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जी एल समझा ना मैंने क्या किया दिस एरिया इसको मैंने डिनोमीटर में ले लिया एल को मैंने ऊपर ले लिया तो एम जी एल अपॉन ए डेल्टा एल ना बल्क मॉड्यूलस में क्या होगा यहाँ पर आएगा के बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस का जाके चेक करो बुक में फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम स्ट्रेस था आपका डीपी एंड वॉल्यूम स्ट्रेन कितना था माइनस डी वी बाई वी पता है ना ये माइनस क्यों आया ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ था यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो लेंथ है वो बड़ा हुआ था तो ये कितना हो जाएगा डी पी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई वी तो फिर ये के कितना हो गया दिस माइनस साइन ये वी को ऊपर ले तो कितना हो जाएगा वी डी पी बायी ओके ये कितना हो जाएगा वी डी पी बाय डी वी ओके देन अगर आपने इसको अलोंग द शेप अप्लाई किया अलोंग द शेप तो फिर ये ईटा कितना हो जाएगा इफ यू रिमेंबर शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था एफ अपॉन ए एंड शिंग स्ट्रेन कितना था टेन थीटा एंड फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा थीटा कैन बी रिटन एज वॉट थीटा तो यहां पर ईटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एफ अपॉन ए ये कितना हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा एक और चीज जो मैं चाहूंगा कि आप लोग समझें इज सी वेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम ठीक है वेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम वॉल्यूम ना तीनों के पास होता है तीनों मतलब कौन तीन सॉलिड भी लिक्विड भी एंड गैसेस भी मतलब क्या बल्क मॉड्यूलस कैन बी अप्लाइड फॉर सॉलिड ऑल्सो लिक्विड ऑल्सो एंड गैसेज ऑल्सो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए अप्लाई किया जाता है बट अगर आप बात करते हो ईटा ईटा मतलब क्या है ये तो अलोंग द शेप है शेप किसके पास होता है क्या लिक्विड के पास खुद का कोई शेप होता है नहीं गैसेस के पास खुद का कोई शेप होता है नहीं तो ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये होता है ये क्या अलॉन्ग द लेंथ भी किसके पास होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के पास तो यंग्स मॉड्यूल भी सिर्फ किसके लिए होता है ओनली फॉर सॉलिड्स तो एक चीज याद रखो दैट आपके जो तीनों मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी है उसमें से सिर्फ एक बल्क मॉड्यूलर्स ऐसा होता है जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों पे अप्लाई किया जा सकता है और बाकी के दोनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए अप्लाई होते हैं ठीक है दिस इज ओनली फॉर सॉलिड दिस आल्सो इज ओनली फॉर सॉलिड्स ठीक है सो दिस इज द बेसिक थियोरी अच्छा अभी भी मैंने आपको हुक्स लॉ डिटेल में नहीं बताया बट हाँ जितना एज ऑफ नाउ जरूरत है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया दैट इज़ हुक्स लॉ नाउ वी कैन डिस्कस द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क ठीक है मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूँ आई एम नॉट डिस्कसिंग द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल और एनीथिंग मैं आपके साथ टाइप्स डिस्कस कर ले रहा हूँ तो देखो ये अलॉन्ग देंथ और अलॉन्ग द शेप वाले तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ ज़्यादा वेरायटी आएगी नहीं ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा वेरायटी आने वाली है तो इसकी हम लोग टाइप डिस्कस कर लेते हैं तो आप क्या करो आप ये पूरा लिख दिया आई एम एक्सपेक्टिंग एक काम कर लो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है आप इसका स्क्रीन ले लो फाइन ना जैसे आपका स्क्रीन हो गया अब आप नीचे हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड लिखो वहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड ऑन बल्क मॉड्यूल्स लिखो वहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड ऑन बल्क मॉड्यूल्स ठीक है ऑन बल्क मॉड्यूल्स फाइन अब देखो पहले टाइप का क्वेश्चन ठीक है पहले टाइप का क्वेश्चन टाइप वन टाइप वन ध्यान से सुनो एक कंटेनर दिया यहाँ तक उसमें पानी है दिस इज ऑल फिल्ड विथ वाटर इस पानी का जो हाइट है वो दिया है कैपिटल एच ठीक है पानी का जो हाइट है वो दिया हुआ है कितना कैपिटल एच देन आपको एक बॉल दिया है यहां पर इतना सा बॉल है इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर ये जो बॉल है इस बॉल का रेडियस कितना दिया है कैपिटल आर नाउ इफ यू लुक एट दैट बॉल दैट बॉल इज इनिशियली इन एयर ये बॉल जो है वो इनिशियली हवे में हवे में मतलब क्या इस बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर है हर जगह से सिर्फ और सिर्फ कितना प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर अब इस बॉल को मैंने छोड़ दिया अब जैसे ही आप उस बॉल को छोड़ दोगे थोड़ा सा समझो अगर आपने उस बॉल को छोड़ दिया जब आप बॉल को छोड़ दोगे तो ये बॉल गिरेगा पानी में और पानी में वो डूबेगा 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 डूबेगा, डूबेगा इधर आएगा और मान लो द सेम बॉल हैज कम हेयर द सेम बॉल हैज कम हेयर अब देखो जब बॉल हवे में था मतलब डब्बे के बाहर पानी के बाहर तब उसके ऊपर इनिशियली प्रेशर कितना था ओनली अटमोस्फेरिक प्रेशर लेकिन जब आपने उसी बॉल को छोड़ दिया जब वो पानी में डूबेगा अब उसके ऊपर प्रेशर कितना है अटमोस्फेरिक प्रेशर तो है ही प्लस ओके अटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही प्लस इसी बॉल के ऊपर अब लिक्विड का प्रेशर भी है राइट right? क्योंकि इस बॉल के ऊपर नाव यू हैव दिस मच ऑफ लिक्विड तो वो लिक्विड का जो वेट होगा उस पानी का भी तो वजन होगा वो पानी का वजन भी उस बॉल पे जाएगा तो बॉल पे प्रेशर बढ़ा या कम हुआ थोड़ा सा सोचो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ा है ना देखो ना जब बॉल हवा में था तो सिर्फ उसके ऊपर क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट जब वही बॉल आपने पानी में फेंक दी तब उसके ऊपर क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है लिक्विड प्रेशर भी है तो डोंट यू थिंक आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा है राइट right? अच्छा नाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता होता है कितना होता है 1.013 पॉइंट जीरो इन टू टेन रेज टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो लिक्विड प्रेशर होता है ना इस लिक्विड प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है इट इज कॉल्ड एज एच जी इस लिक्विड के प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला इज वॉट एच जी दिस फॉर्मूला यू विल स्टडी इसका जो डेरिवेशन है वो आप देखोगे इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड देर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड जैसे हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं उसी तरह ट्वेल्थ में एक टॉपिक है इट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वहाँ पर आप लिक्विड के बारे में पढ़ोगे वहाँ पर मैं आपको ये डिराइव करके दिखाऊंगा कि लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो क्या होता है एच रो जी यहाँ पर एच क्या है एच मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी मतलब एक्सेड रेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपको पता है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप देखो आपका सिंपल सा क्वेश्चन क्या है सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पहले ये जो बॉल था वो हवा में था उसको छोड़ दिया तो ये पानी में चला गया पानी में चला गया तो डेफिनेटली अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है प्रेशर बढ़ चुका है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ इस बॉल के वॉल्यूम की जो यहाँ पर बड़ा होगा फिर पानी में आएगा तो वजन की वजह से कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर अगर बॉल इतना बड़ा है इधर आके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा थोड़ा सा छोटा सो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वट एल मई बल्क मॉड्यूल जिसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय सॉल्व करते वक्त ओके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर ये माइनस नहीं लिखा तो चलेगा क्योंकि माइनस वैसे भी क्या डिनोट करता है प्लस माइनस डिनोट करता है कि आपका वॉल्यूम कम होने वाला है बट ठीक है ना मेरे को मालूम है कि कम ही हो रहा है तो मैं माइनस नहीं लिख रहा लिखा तो भी गलत नहीं है नहीं लिखा तो भी चलेगा अब ये डी पी क्या डीपी डी पी क्या है जो नया प्रेशर आया चेंज इन द प्रेशर ओरिजिनली क्या प्रेशर था एटमोस्फेरिक अब ये पानी में डुबोने के बाद भी एटमोस्फेरिक प्रेशर तो है ही वट इज अव प्रेशर कमिंग ऑन द बॉल नाउ लिक्विड का प्रेशर तो ये जो डीपी है ना ये डीपी बन जाएगा लिक्विड का प्रेशर एंड दैट लिक्विड प्रेशर डीपी विल बिकम वॉटल मी एच रो जी ठीक है दैट लिक्विड प्रेशर डीपी विल डी लाइक विल बी रिटर्न मी एच रो जी तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ना Uh, अब देखो ना कुछ भी हो सकता है कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो ये बन सकता है कि के इज़ इक्वल टू वॉट वी डी पी जगह पे क्या लिखोगे आप एच रो जी अपॉन डी वी ठीक है ये हो सकता है अब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पाँच छः आउट ऑफ द सिक्स फाइव थिंग्स विल बी गिवन टू यू और कोई भी एक पूछा जाएगा तो वैल्यू रख के सॉल्व करना या फिर या फिर आपको पूछा जा सकता है वट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन आई रिपीट आपको पूछा जा सकता है वट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन इफ यू रिमेंबर वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है देखो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है डी वी बाई वी वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है डी वी बाई वी तो यहां पे देखो डी वी बाई वी क्या हो जाएगा डी वी बाई वी डी वी बाई वी क्या हो जाएगा टल में एच रो जी बाई के राइट डी वी को इधर लिया वी को इधर लिया के को नीचे भेज दिया तो डी वी बाई वी क्या हो जाएगा एच रो जी बाई के हाँ डेफिनेटली अगर उन्होंने आपसे वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा है इफ दे आस्क यू वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डेफिनेटली दे विल गिव यू हाइट पानी होगा तो डेंसिटी आपको पता होता है टेन एच टू थ्री जी का वैल्यू आप टेन ले लेना ले एम सी क्यू में के का वैल्यू उन्होंने आपको दिया होगा तो इससे आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन ठीक है अच्छा एक और चीज़ पूछा जा सकता है अगर आपको याद है ये देखो ये टाइप वन क्वेश्चन हो गया ये टाइप टू क्वेश्चन हो गया आई I मीन mean, इसी में अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इफ़ यू रिमेंबर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये तो स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब राइट क्या हो जाएगा फॉर्मूला फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब ना इफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब आपने मेजरमेंट चैप्टर में ये पढ़ा होगा आई कैन राइट दिस इज वट डेल्टा वी बाई वी थ्री टाइम्स डेल्टा आर बाय आर आई होप आपको ये सब याद है देखो फोर बाई थ्री एंड पाई ये कैसे हैं ये तो कौन ये अलग टाइप है ठीक है ये अलग टाइप है अगर सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा है तो इधर तक करके छोड़ दो वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद भी कुछ पूछा जा सकता है दे मे आस्क यू द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ये देखो डेल्टा आर बाई आर ये डेल्टा आर बाई आर क्या है दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस तो ये देखो मैंने क्या किया फोर बाई थ्री बाई तो कॉन्स्टेंट है वो तो निकाल गया वी को क्या लिख सकते हो आप डेल्टा वी बाई वी एंड आर क्यूब है ना तो पावर थ्री आगे आ गया तो कितना हो गया डेल्टा आर बाई आर अब ये जो डेल्टा वी बाई वी है दिस इज सेम है डी वी बाई वी अरे ये दोनों सेम ही है ना तो यहां से आप डी वी बाई वी निकाल लो एच रो जी अपन के करके डी वी बाई वी मिल गया ये थ्री को नीचे ले लो तो कितना मिल जाएगा डेल्टा आर बाई आर एंड इज डेल्टा आर बाई आर फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फ्रॉम बल्क मॉड्यूलस, ठीक है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फ्रॉम बल्क मॉड्यूलस। फिर पढ़ते हैं कि वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू फ्राम यंग्स मॉड्यूलस। अब देखते हैं इसमें से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यंग्स मॉड्यूल्स में कैसे क्वेश्चन इसमें भी एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एंड यू नो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आर के जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एग्जांपल, दे आर गिविंग यू टाइप टू इसमें आपको ऐसा एक वायर दे दिया ठीक है एक वायर दे दिया ऐसा एक वायर दे दिया एनी लेंथ एल आई डोंट नो कोई भी एक नंबर दिया रहेगा दस मीटर पाँच मीटर दो मीटर कुछ भी एंड यहाँ पर आपने एक बॉल यहाँ पर आपने एक वेट रख दिया डाइटा से टेन के तो ये टेन के की वजह से आपका वायर क्या होगा लंबा होगा राइट right? तो लेटर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो ओरिजिनल लेंथ है एल विच इज़ इक्वल टू फाइव मीटर फिर यहाँ पर आपने टेन के जी का वेट रखा तो वायर डेफिनेटली अगर आपने वजन रखेगा तो वायर बड़ा होगा लेटर से जो वायर बड़ा हुआ मान लेता हूँ वो है फाइव सेंटीमीटर ठीक है जस्ट एन एग्ज़ाम्पल हाँ इतना बड़ा वायर लंबा नहीं होता पाँच सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया इतना लंबा कभी होने नहीं वाला बिकॉज दीज वायर आर वल्यूमिनियम से बने हुआ है या फिर ये स्टील से बना हुआ है तो इतना लंबा नहीं होगा बट एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सो दरिजिनल फाइव मीटर यू पुट अ वेट ऑफ टेन के जी एंड द वायर का एक्सटेंशन इज वोटल फाइव सेंटीमीटर नाउ इसी वायर को ठीक है इसी वायर को उतना ही वेट रखा मैंने टेन के जी लेकिन अब ये जो टेन के जी है ना इट इज इन दॉटर इसको पानी में डुबो दिया ऐसा मैंने इसको पानी में डुबो दिया अब सोचो क्या होगा पहले वाले वायर पे 10 किलो रखा है और जो 10 किलो है दैट इज़ हैंगिंग इन एयर वही 10 किलो उसी वायर पे, उतने ही लेंथ पे लेकिन बट दिस टाइम द 10 के जी इज केप्ट इन वाटर अब हमें इतना तो पता है कि पानी के अंदर कोई भी चीज़ ना हल्का हो जाता है मतलब ये जो 10 किलो हवे में था उसी दस किलो को जब आप पानी में डालोगे तो वो दस किलो नहीं रहता वो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा डोंट यू फील आपने कभी ना कभी फील किया होगा यार पानी के अंदर जाने के बाद अगर आप कोई भी चीज को उठाते हो तो वजन थोड़ा सा कम लगता है मतलब ये जो टेन के जी है जब आपने इस टेन के जी को यहां पे डाल दिया किधर इस के अंदर तो जब आप इस टेन के जी को इस पानी के अंदर डाल दोगे तो डेफिनेटली दस किलो का इम्पैक्ट अब दस किलो जितना नहीं रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा सो नाव यार डेफिनेटली ओरिजिनल लेंथ तो फाइव मीटर ही रहने वाला है बट ये जो एक्सटेंशन जो पहले पांच सेंटीमीटर हुआ था क्या वो अभी भी पांच सेंटीमीटर जितना होगा द आंसर इज नो हाँ बट इतना तो है कि अब जो मेरा एक्सटेंशन होगा दैट विल भी लेस देन फाइव सेंटीमीटर अरे यार इधर दस किलो है पानी के अंदर डाला तो दस किलो दस किलो नहीं रहेगा उसका जो इम्पैक्ट होगा वो दस किलो से कम हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर कोई भी चीज़ कैसी फील होगी हल्की फ़ील होगी और अगर ये हल्का फील हो रहा है तो आपका जो एक्सटेंशन होगा वो भी पाँच सेंटीमीटर से कम होगा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पानी के अंदर का एक्सटेंशन कितना होगा माई क्वेश्चन टू यू एस कि पानी के अंदर का जो एक्सटेंशन है और चलो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं वॉट इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन वॉटर टू एक्सटेंशन इन एयर आई मीन जब आपने ब्लॉक को पानी के अंदर डाल दिया तब वो कितना लंबा हो रहा है वो और जब ये चीज़ हवे में लटक रही है तब ये कितना लंबा होगा इन दोनों एक्सटेंशन का मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए तो आइए देख लेते हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ेंगे आर प्रिंसिपल क्या होता है ठीक है हम लोग ट्वेल्थ में डिटेल में पढ़ेंगे आर प्रिंसिपल क्या होता है बट आपने नाइन्थ और तो टेंथ में भी थोड़ा बहुत तो आर्मी प्रिंसिपल किया ही होगा कि जब किसी भी बॉडी को पानी में डालते हो तो उस पर बोएंसी फोर्स आता है एंड दैट बोएंट फोर्स और दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बोएंट फोर्स इज कॉल्ड एज दर्ड अपथ्रस्ट राइट उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं अपथ्रस्ट तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो टेन के है ना नीचे वेट कितना आ रहा है टेन जी और ऊपर टेंशन कितना आ रहा है टी इस टेंशन को मैं लिखूंगा टेंशन वेन द बॉडी इज इन एयर ठीक है मैं उसको क्या लिखूंगा टेंशन वेन द बॉडी इज इन एयर बट मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं दिस इज टेन के तो नीचे कितना है नीचे है टेन जी और ऊपर दो चीजें आएंगी पहले तो मुझे ऊपर क्या लगेगा अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट मतलब क्या बोएंसी वाला फोर्स किसी भी चीज को जब आप लिक्विड में जाते हो नीचे से बोएंसी आता है right? राइट किसी भी चीज को जब आप लिक्विड के अंडर डाल देते हो तो नीचे से क्या आता है बोएंसी सो दैट बोएंट फोर्स अपथ्रस्ट प्लस अब जो इसके ऊपर टेंशन आएगा दैट टेंशन आई एम गोइंग टू राइट इट एज वॉट टेल मी टेंशन इन वाटर ठीक है तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ टेंशन इन वाटर ना इसको जनरलाइज करने के लिए मैं टेन के जी को टेन के जी को मैं लिखता हूँ एम तो ये नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर एम जी और इसको टेन के जी को मैं क्या लिखने वाला हूँ एम तो ये कितना हो जाएगा एम जी तो पहले वाले केस में क्या है पहले वाले केस में क्या है दैट टेंशन इन एयर एंड एम जी दे बोथ आर सेम राइट केस वन में क्या है लाइक like, इसको ए नाम दे देता हूँ मैं इसको बी नाम दे देता हूँ तो ड्योरिंग ए व्हाट इज हैपनिंग के जितना ऊपर टेंशन है उतना ही नीचे एम भी है तो क्या लिखोगे आप टेंशन वेन द ब्लॉक इज हैंगिंग इन एयर इज सेम एज़ वॉट एम जी बट केस टू में क्या हो रहा है केस टू में ऊपर देखो कितने फोर्स है अपथरस्ट एंड द टेंशन वेन द बॉडी इज इन वॉटर सो अपथरस्ट प्लस टेंशन वेन द बॉडी इज इन वाटर और नीचे कौन है अभी एम जी नीचे कौन है अभी एम जी राइट अभी ये तो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है ना कि ऊपर वाले फोर्सेज इज ईगोल टू नीचे वाला फोर्स यहाँ पर भी ऊपर वाला फोर्स इज इकोल टू नीचे वाला फोर्स अब यहाँ पर नया क्या है नया ये है आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा एज ऑफ नाव के अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या होता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी ठीक है अब अपथरस का एक फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अपथरस का फॉर्मूला एज ऑफ नाउ आपको इसको याद रखना पड़ेगा अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा ये आपको याद रखना ही पड़ेगा तो अपथरस का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से देखो अब थ्रस्ट के जब मैं क्या लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन टू जी प्लस टेंशन ऑफ द बॉडी इट इज इन टेंशन ऑन द वायर वेन द बॉडी इज इन वॉटर और यहां पर क्या लिखोगे आप एम जी सुना वट टेंशन इन वॉटर ये देखो ये क्या है एम जी वट इज डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ना तो वट इज मास का फॉर्मूला राइट वट इज मास का फॉर्मूला मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो यहाँ पर मैं इस मास के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी टाइम्स जी इसको उधर ले लो तो माइनस अगर ये वहाँ पर गया तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी तो व्हाट इज टेंशन ऑन द वायर व्हेन द बॉडी इज इन टेल मी यू कैन टेक वी कॉमन यू कैन टेक जी कॉमन अंदर आएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड राइट अब टेंशन वेन द बॉडी इज इन वाटर वापस यहाँ पर क्या आया वॉल्यूम देखो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम राइट डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो वट इज वॉल्यूम नाउ वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी तो ये क्या है वॉल्यूम तो so मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी और ये क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना वट इज दिस ये देखो ये क्या है ये है एम जी वट वट इज एम जी टेंशन इन एयर तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला टेंशन इन वाटर अपॉन टेंशन इन एयर अच्छा ये क्या डेंसिटी ऑफ बॉडी अब इसको अंदर भेज दो अंदर भेजोगे ठीक है अगर आपने इसको अंदर भेजा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस क्या इतना कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी और अगर मैंने इसको इधर ले लिया तो फार्मूला क्या बना टेंशन वन द बॉडी इज़ इन वाटर अपॉन टेंशन वेन द बॉडी इज़ इन एयर वमूला वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी ठीक है अच्छा ये तो मुझे टेंशन का रेशियो मिला मुझे किसका रेशियो चाहिए था एक्सटेंशन का ठीक है कोई बात नहीं देखो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलर्स इस फॉर्मूला को ना एक जनरल फार्मूला की तरह याद रखना ये बहुत जगह पे काम आएगा अब देखो वट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूल यंग्स मॉड्यूल्स का फॉर्मूला था एम जी बाय ए डेल्टा एल एंड एल राइट यंग्स मॉड्यूल्स का फॉर्मूला क्या है एम जी बाय एल अपॉन ए डेल्टा एल इसमें ये जो यंग्स मॉड्यूल्स होता है ना यंग्स मॉड्यूल्स ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ वायर अब देखो चाहे आप इस बॉडी को यहाँ पर हवे में लटकाओ चाहे आप इसको पानी में डुबो दो वे ये जो वायर का मटेरियल है वो तो वही रहने वाला है तो क्या यंग्स मॉडल चेंज हुआ नहीं व्हाट अबाउट दिस एम यहाँ पर भी एम है यहाँ पर भी एम है तो एम चेंज नहीं हो रहा जी चेंज नहीं हो रहा व्हाट अबाउट एल एल मतलब क्या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर तो वो भी चेंज नहीं हो रहा ए मतलब क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी तो चेंज नहीं हो रहा तो फिर क्या बदल रहा है टेल में क्या बदल रहा है कैन आई से डेल्टा एल मतलब क्या एक्सटेंशन बदल रहा है अब अगर यहाँ पर एक्सटेंशन बदल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा होगा ना इसके साथ तो एक काम करता हूँ मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यंग्स मॉडलर्स एज वर्ड फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल कैन आई राइट इट दिस वे मैंने एफ को एम जी नहीं लिखा यार मैंने सिर्फ उसको क्या लिखा एफ मैंने उसको सिर्फ क्या लिखा एफ तो अब ये देखो देखो एरिया ऑफ क्रोसेक्शन चेंज हुआ नहीं ओरिजिनल लेंथ चेंज हुआ नहीं डेल्टा एल डेल्टा एल चेंज हुआ है वट अबाउट फोर्स फोर्स हैज जब ये दस ये किलो का बॉडी में होगा तब वायर को किसी और फोर्स के साथ खींचेगा और जब वही बॉडी पानी में जाएगा तब उसको खींचने वाला फोर्स कुछ और है पानी के अंदर वो कम फोर्स के साथ खींचेगा वायर को और हवे में वो ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा तो वॉट ऑल थिंग्स आर चेंजिंग कहने से एफ इज चेंजिंग एंड डेल्टा एल इज चेंजिंग आई रिपीट वॉट ऑल थिंग्स आर चेंजिंग एफ इज चेंजिंग एंड डेल्टा एल इज चेंजिंग एंड अगर आप थोड़ा सा सोचो

सेम तो अगर आपको ऐसा लिखना है फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन वॉटर अपॉन फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन एयर इज सेम एज एक्सटेंशन इन वॉटर अपॉन एक्सटेंशन इन एयर फोर्स इज सेम एज टेंशन एंड टेंशन वाटर अपॉन टेंशन एयर का फॉर्मूला क्या है वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी तो ये क्या फॉर्मूला हो गया ये हो गया फॉर्मूला फॉर बॉटल में दोनों का रेशियो हो गया ये मेरा क्वेश्चन देखो वहां पर क्या है वॉट इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन वॉटर टू एक्सटेंशन इन एयर मतलब इस 10 किलो को जब मैं पानी में डालूंगा तब का एक्सटेंशन और जब ये 10 किलो हवे में लटक रहा है तब के एक्सटेंशन का रेशियो क्या है ये रहा रेशियो ये देखो ना एक्सटेंशन डेल्टा एल मतलब क्या एक्सटेंशन 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 इट इट इज इज इन इन एंड एयर उसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी राइट वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज दट फाइन अच्छा तो ये हो गया पहला क्वेश्चन अब ये और एक क्वेश्चन पूछते हैं यू थिंक एंड टेल मी एक्सटेंशन किधर ज़्यादा है जब बॉडी हवे में या जब बॉडी पानी में थोड़ा सोचो एक्सटेंशन कब ज्यादा जब बॉडी हवे में या जब बॉडी पानी में डेफिनेटली जब बॉडी हवे में तो फिर मान लो अगर यहाँ पर पांच सेंटीमीटर हुआ तो यहां पे पांच से कम ही होगा तो फिर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी तो होगा जैसे मान लो यहां पर पांच आया इधर दो ही आया तो डिफरेंस कितना है तीन तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है दैट वॉट इज द डिफरेंस इन द एक्सटेंशन क्या पूछा जा सकता है वॉट इज द डिफरेंस इन द एक्सटेंशन वैन The body is in air and in water. जब बॉडी हवे में और जब बॉडी पानी में है तो एक्सटेंशन में डिफरेंस कितना आएगा वो हमें पूछा जाता है तो दैट इज वन थिंग दैट दे आस्क ठीक है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू जस्ट रब दिस पार्ट ठीक है ये एक रिजल्ट याद रखना डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाटर मतलब क्या एक्सटेंशन इन वाटर अपॉन एक्सटेंशन इन एयर का फॉर्मूला क्या जाएगा वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी ठीक है अच्छा अब मुझे सेकेंड चीज़ को प्रूव करना है आई मीन फार्मूला बनाना है वॉट इज द डिफरेंस इन द एक्सटेंशन वेन द बॉडी इज इन एयर एंड वैन द बॉडी इज इन वाटर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो देखते हैं वो कैसे करेंगे uh, यहाँ से कैन आई मेक अ फॉर्मूला लाइक दिस डेल्टा एल को उधर लेके जाओ तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा एफ एल बाय ए वाई राइट डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ एल बाय ए वाई वॉट डू दे वॉन्ट मी टू फाइंड आउट दे वॉन्ट मी टू फाइंड आउट द डिफरेंस डिफरेंस ऑफ वॉट एक्सटेंशन वेन द बॉडी इज इन एयर एंड एक्सटेंशन वेन द बॉडी इज इन वाटर मतलब मुझे क्या चाहिए पता है डेल्टा एल वेन द बॉडी इज इन एयर माइनस डेल्टा एल वन द बॉडी इज इन वाटर मुझे चाहिए ये चीज़ का वैल्यू तो ठीक है ना डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है एफ एल बाई ए वाई राइट एफ एल बाई ए वाई तो एफ मतलब क्या फोर्स फोर्स कौन लगा रहा है ये ब्लॉक और इस ब्लॉक की वजह से जो टेंशन आएगा वो क्या है तो टेंशन इन एयर एल अपॉन ए वाई माइनस डेल्टा एल वाटर जब ये पानी में जाएगा जब यह ब्लॉक पानी में जाएगा तब का जो टेंशन होगा वो तो टेंशन इन वाटर एल बाय ए वाई यहाँ पर मैंने क्या किया मैंने सिर्फ डेल्टा डेल्टाइल की जगह पे एफ एल बाई ए वाई डाला है एल मतलब ओरिजिनल लेंथ ए और वाई मतलब क्या ओरिजिनल एरिया एंड यंग्स मॉड्यूलर्स वो तो सेम ही रहने वाला है वेन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्सटेंशन इन एयर तो टेंशन कौन सा लेना एयर वाला वेन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्सटेंशन इन वॉटर तो टेंशन कौन सा लेना वाटर वाला तो नाव यू कैन टेक मी नाव यू कैन टेक एल बाई ए वाई कॉमन अंदर क्या आएगा टेंशन इन एयर माइनस टेंशन इन वाटर है ना अब यहाँ पे देखो कैन यू मेक अ फॉर्मूला फॉर टेंशन इन वाटर यहाँ से कैन आई जस्ट सिंपली पिक दिस मुझे टेंशन इन वाटर चाहिए ना तो मैं टेंशन इन वाटर के लिए आई कैन यूज एक बेसिक फॉर्मूला निकाल लेता हूँ देखो टेंशन इन वाटर के मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट है ये है, ये है ये है ये भी है आई कैन यूज एनी थिंग बट आई वॉन्ट टू यूज द सिंपलेस्ट द सिंपलेस्ट ओके देन लेट मी यूज दिस वन अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं एल बाई ए वाई टेंशन इन एयर माइनस ये क्या है टेंशन इन वाटर टेंशन इन वाटर की जगह पे मैं ये लिख दूँ टेंशन इन वाटर की जगह पे मैं ये लिख दूँ क्या है वो वी जी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करता है इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करता है डायग्राम ठीक है ये एक दो टाइप अगर आपने सीख लिया ना तो इसके बाहर का ना कोई क्वेश्चन ही नहीं आता एंड दिस वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि जो इसके ईजी क्वेश्चन है वो तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे तो जो डिफिकल्ट e वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सारे टाइप सो दैट एम करेंगे तो सब ईजी लगेगा ओके okay, फाइन तो यहाँ पर क्या है डलवी हेअर आई हैव वॉट एल बाय ए वाई अंदर क्या है अंदर है टेंशन वेन द बॉडी इज इन एयर टी एयर वट इज टी एयर टी एयर इज एम जी राइट टी एर इज वट एम जी माइनस इधर क्या है वॉल्यूम डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो वट इज वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी है ना इंटू क्या है जी और अंदर क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस लिक्विड तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बाय ए बाई ये देखो यहाँ पर एम जी है इधर भी एम जी है तो एम जी और एम जी कॉमन आएगा अंदर क्या है वन माइनस इसको अंदर भेजोगे आप इसको आपने अंदर भेजा तो कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी अभी तक मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है ये वाला तो ये कितना हो जाएगा एल बाई ए वाई एम जी वैन यू ओपन द ब्रैकेट वन माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी ठीक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी तो याद रखना अगर कभी भी दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा एल आई मीन एक्सटेंशन इन एयर माइनस एक्सटेंशन इन वाटर विल हैव दिस फॉर्मूला इट इज वॉटल मी एम जी एम जी मतलब क्या जो भी बॉडी पे फोर्स होगा वो फोर्स एल ए वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी तो ये हो जाएगा उन दोनों का डिफरेंस ठीक है ये हो जाएगा उन दोनों का डिफरेंस सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस फ्रॉम यू नो यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस रिजिडी पे उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आते नहीं है और इसमें भी ये डिफिकल्ट कुछ है नहीं आपको सिर्फ ये दोनों रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपको दोनों एक्सटेंशन का डिफरेंस पूछा है जब बॉडी हवे में लटक रहा है और जब बॉडी को पानी में डाल दिया जब आपको दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो और जब आपको दोनों का रेशियो पूछा है रेशियो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी तो बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स एंड डेफिनेटली ये जो अपथरस का फॉर्मूला लिखा है वी रो एल जी ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेन वी आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लर्निंग अबाउट फ्रिक्शन एन आई मीन सॉरी वी आर स्टिंग अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक थ्री स्ट्रेस स्ट्रेन modules of elasticity hooke's law and the basic questions that we can expect from this part so now after learning all those stresses and strains the next thing that we need to learn is something called as poisons ratio okay it is called as what poisons ratio now you try to understand one thing for example this is a fixed ceiling and on this ceiling दिस इज अ वायर ठीक है नाउ आई एम ड्राइंग द वायर लिटिल थिकर बिकॉज पहले हम लोगों ने क्या देखा था दैट दिस इज सीलिंग और ये एक वायर है और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक रखा एम एंड फिर ये एक्सटेंशन हुआ ऐसे राइट right? तो पहले हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था दैट दिस लेंथ दिस लेंथ इज एल तो जो पहले ओरिजिनल लेंथ था वो एल था एंड देन देर इज एन एक्सटेंशन एंड दिस एक्सटेंशन इज वॉट ई या फिर क्या डेल्टा एल तो डोंट यू थिंक इन रियालिटी वॉट इज हैपनिंग वेन यू ट्राई टू पुल द वायर वेन यू ट्राई टू पुल द वायर द वायर गेट्स एक्सटेंडेड द वायर गेट्स स्ट्रेच इट गेट्स इलोंगेटेड एट द सेम टाइम वायर पतला भी तो होगा राइट एट द सेम टाइम वायर पतला भी तो होगा राइट right? अगर आप वायर को खींचोगे तो वायर पतला तो होता है सो so, उसका मतलब देर इज एन इफेक्ट

सो वॉट यू सी इन ब्लू कलर इज द इलोंगेटेड वायर ठीक है वॉट यू सी इन ब्लू कलर इज द इलॉन्गेटेड वायर एंड यहाँ तक टिल दिस पॉइंट ये जो था दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ एल जो पहले ये ब्लैक कलर का वायर था फिर आपने थोड़ा सा वेट रखा वायर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ सो दिस इज द एक्सटेंशन डेल्टा एल दिस इज द लेंथ एल ठीक है दिस इज देंथ एल दिस लेंथ इज एल एक्सटेंशन इज वट डेल्टा एल यहां पर आपने थोड़ा सा क्या रख दिया वेट रख दिया नाउ वन मोर थिंग ये जो डायमीटर है दिस डायमीटर कंप्लीट ये बड़ा वाला डायमीटर दिस डायमीटर इज वट डी और ये जो डायमीटर है क्योंकि वेन द वायर इज गेटिंग इलांगेटेड वैन द वायर इज गेटिंग स्ट्रेच इट इज गेटिंग थिनर ऑल्सो सो वन इट गेट्स थिनर इन द डायमीटर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज तो वेन द डायमीटर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज दिस डायटर आई एम गोइंग टू राइट इट इज वट कैपिटल डी माइनस यू नो सम डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस लेट मी राइट दिस एज यू नो लेट लेटे द ओरिजिनल रेडियस इज आर ओके एंड दिस रेडियस ये जो नया रेडियस है ये वाला ये कितना होगा आर माइनस डी आर थोड़ा सा रेडियस कम हो चुका है तो दिस रेडियस इज वोटल मी लेटे से दिस इज आर एंड इसका जो रेडियस है वो क्या है इससे थोड़ा सा कम मतलब क्या आर माइनस डी आर सो नॉट टेल मी हाउ मेनी इफेक्ट्स डिड यू सी वेन यू पुट द वेट राइट वेन यू पुट द वेट हियर देर आर टू इफेक्ट्स वन अलॉंग द लेंथ एंड अदर अलॉन्ग द थिकनेस द लेंथ इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ इंक्रीज इज वायर लंबा हो चुका है बट वायर भले से पतला हो चुका है सो देर आर टू इफेक्ट्स वन इज अलोंग लेंथ अलॉन्ग द लेंथ वाला जो इफेक्ट है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेन राइट इट इज कॉल्ड एज व्हाट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो क्या होता है जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एक क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन द लेंथ देखो ओरिजिनल चेंज का लेंथ का मतलब क्या होगा चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है एल आई तो बड़ी सो फाइनल लेंथ एलमी फाइनल लेंथ कितना है एल प्लस डेल्टा एल तो आपका ये फाइनल लेंथ कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल आई एल आई मतलब क्या इनिशियल लेंथ इनिशियल लेंथ वॉज ओनली एल अपऑन इनिशियल लेंथ विच इज़ ओनली एल तो दिस एल एंड दिस एल गेट्स कट एंड देन दिस इज वॉट टलमी डेल्टा एल बाई एल दिस इज वॉट यू कॉल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये कोई नई चीज़ तो है नहीं ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था राइट right? ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया इट इज़ वॉट एलमी डेल्टा एल बाई एल

अपॉन ओरिजिनल डायमीटर एंड आपने मेजरमेंट चैप्टर में एक चीज पढ़ा है वेदर यू टॉक अबाउट चेंज इन डायमीटर और यू टॉक अबाउट चेंज इन रेडियस इट इज वन ऑफ द सेम राइट वेदर यू टॉक अबाउट चेंज इन डायमीटर और यू टॉक अबाउट वॉट चेंज इन रेडियस इट इज वन ऑफ द सेम तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजनल रेडियस नाउ चेंज इन रेडियस देखो चेंज मतलब क्या होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल रेडियस कितना है आर माइनस डी आर माइनस इनिशियल रेडियस कितना है इनिशियल रेडियस इज वट आर अपॉन ओरिजिनल रेडियस ओरिजिनल रेडियस मतलब कितना आर तो वेन यू ओपन द ब्रैकेट दिस आर एंड दिस आर गेट्स कट एंड वॉट डू यू हैव इज वट माइनस ऑफ डी आर बाई आर तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लैटरल स्ट्रेन माइनस ऑफ डी आर बाई आर सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी लॉन्ट न्यूली हियर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ लिया था बट हमें पता है कि जब वायर एक्चुअली लंबा होता है तो वो सिर्फ लंबा नहीं होता वायर लेंथ इलांगेट करने के साथ साथ ही इट ऑल्सो गेट्स थिनर एंड वेन द वायर गेट्स थिनर वी हैव टू कंसिडर दैट पैरामीटर ऑल्सो सो दैट पैरामीटर इज कंसिडर्ड इन पॉइंजन रेशियो यूजअली आप इस पैरामीटर को इग्नोर करते हो बट पॉइजन रेशियो के बारे में बात होगा तो यू हैव टू कंसिडर दिस पैरामीटर ऑल्सो सो नाव वट इज पॉइजन रेशियो देन तो आप ऐसे पढ़ोगे पॉइजन रेशियो बेसिकली पॉइजन रेशियो

लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ना वट इज अटरल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन येर इट इज वॉट एल मे माइनस ऑफ डी आर बाई आर अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्जीट्यूडनल स्ट्रेन क्या है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है डी एल बाई एल राइट इट इज डी एल बाई एल या फिर डेल्टा एल बायल अच्छा पॉइस रेशियो के लिए द लेटर दैट वी यूज एज सिगमा सो द फॉर्मुला कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई आर इन टू एल बाय डी एल माइनस ऑफ डी आर वाई आर इंटू एल सो बेसिकली वॉट आई वु रिमेंबर याद रख लो लैटर लैटरल स्ट्रेन तभी भी हो रहा था बट वहां पर वी आर ओनली कंसिडरिंग देंथ कॉम्पोनेट बिकॉज देंथ इज डोमिनेटिंग बट नॉट एवरी टाइम आपको उसको इग्नोर करना है लेटरल स्ट्रेन को आप हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते सो द केसिस वेर इन यू हैव टू कंसिडर द लैटरलो पॉइजन रेशियो एंड पॉइजन रेशियो का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ डी आर बाई आर इन टू वॉटल में एल बाई डी आर ठीक है दिस इज देशन रिमेंबर अब इसके ऊपर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कैसे आते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विल कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिलेंडर दे दिया ठीक है आपको एक सिलेंडर दे दिया एंड आपने उस सिलेंडर को नीचे वेट लगा दिया तो सिलेंडर के नीचे वेट लगा तो क्या होगा सिलेंडर बड़ा होगा अच्छा जब सिलेंडर बड़ा होगा तो सिलेंडर पतला भी तो होगा राइट तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता हो 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 है टेल इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल राइट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल ना एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच होता है बट एच मतलब यहां पर क्या मैं लेंथ ले लेता हूं इवन अ वायर इज ऑल्सो सिलेंडर ओनली बट सिर्फ वायर और सिलेंडर में फर्क क्या होता है सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडरेबल होता है वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही पतला होता है बट हाँ इवन अ वायर इज अ सिलेंडर सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल अगर आपने इसका पार्सल डेरेवेटिव लिया तो ये क्या बनेगा दिस विल बिकम वट डी वी पाई इज अ कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर एल का डेरेवेटिव कैसे आएगा इट इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर डी एल प्लस एल टू आर डी आर आई होप आपको समझ में आ रही है मैंने क्या किया आई है और मैंने अंदर यू वी अप्लाई किया यू डेरेवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेवेटिव ऑफ यू तो देखो यहाँ पर आर स्क्र ऐसा कैसे रखा एल का डेरेवेटिव डी एल फिर एल जैसे का तैसा रखा आर स्क्वा डेरेवेटिव हो जाएगा टू आर डी आर सो देन दिस कैन बी रिटर्न लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई दिस पाई इन साइड तो दिस विल बिकम पाई आर स्क्वाई एल टू आर डी आर कॉल दिस एज इक्वेशन वन एंड कॉल दिस एज इक्वेशन टू अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ ठीक है आई वॉन्ट टू डिवाइड टू बाई वन तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी वी बाई वी और ये क्या है पाई आर स्क्वायर डी एल प्लस पाई एल टू तो आर डी आर द होल अपॉन पाई आर स्क्वाल सो देन वॉट डू यू गेट इज डी वी बाई वी ओके डी वी बाई वी इन दोनों को स्प्लिट कर दो स्प्लिट कर दिया अगर तो ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा आई विल हैव डी एल बाई एल और अगर यहाँ पर आपने स्प्लिट किया तो ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा राइट right? एल और एल कट हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा टू डी आर और नीचे बचेगा एक आर टेल मी इफ आई एम रॉन्ग देखो यहाँ पे दिस पाई एंड दिस पाई गेट्स कट दिस एल एंड दिस एल गेट्स कट नीचे ऊपर एक आर कट हो जाएगा इधर एक आर टू आर परफेक्ट तो यहाँ पर क्या बचेगा डी एल बाई एल प्लस टू डी आर बाई आर ना अगर आप यहाँ से देखते हो अगर आप यहाँ से देखते हो यहाँ से देखते हो तो क्या आप डी आर बाई आर की एक वैल्यू बना सकते हो डी आर बाई आर की जगह पे कैन यू राइट डाउन दिस हैज़ व्हाट टेल मी माइनस सिगमा डी एल बाय राइट मैंने सिर्फ क्या किया पॉइजन रेशियो का जो मेन फंडामेंटल डेफिनेशन है वहां से डी आर बाई आर के लिए एक वैल्यू निकाला माइनस इधर भेज दिया माइनस सिग्मा एंड देन डी एल इधर एल नीचे दो माइनस ऑफ वर्ड सिग्मा डी एल बाई एल ये मैंने इसलिए किया बिकॉज ये जो डी आर बाई आर है ना वो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ सो देन दिस विल बिकम वर्ट दिस विल बिकम डी वी बाई वी इज इक्वल टू वर्ट डी एल बाई एल प्लस टू टाइम्स डी आर बाई आर एंड वट इज डी आर बाई आर माइनस सिग्मा डी एल बाई एल ठीक है सो नाउ इफ आई जस्ट सिम्पलीफाई दिस फर्दर कुड वी टेक समथिंग कॉमन यहाँ से कैन वी टेक समथिंग कॉमन या आई कैन टेक डी एल बाई एल कॉमन तो अगर मैंने डी एल बाई एल कॉमन ले लिया देन वट एम आई गोइंग टू गेट लेट सी तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वट डू आई हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव डी वी बाई वी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है डी वी बाई वी इज इक्वल टू यहाँ पर वट डू आई हैव अच्छा वट यू डू डी एल बाई एल को आप कॉमन ले लो ना तो अगर मैंने डी एल बाई एल को कॉमन ले लिया डी एल बाई एल को कॉमन ले लिया यहाँ पे बचेगा वन माइनस टू सिग्मा वन माइनस टू सिगमा तो ये हो जाएगा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन वेर डी वी बाई वी क्या होता है डी वी बाई वी होता है वॉल्यूम स्ट्रेन डी एल बाई एल होता है लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन एंड दिस इज पॉइजन्स रेशियो दिस इज पॉइजन्स रेशियो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार आपको देखो ना यहां पे टोटल थ्री थिंग्स दैट यू कैन सी वॉल्यूम स्ट्रेन लॉन्चिंग स्ट्रेन और पॉइंस रेशियो इन तीनों से मिलते जुलते कोई भी तीन में से कोई भी दो वैल्यू रहेंगे एक वैल्यू आपको पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन आस्ट क्वेश्चन इज ओके मोस्ट कॉमन आस्ट क्वेश्चन इज दैट वैन वैन चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो वैन चेंज इन वॉल्यूम इज देन उस टाइम पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा दिस इज द मोस्ट कॉमन आस्ट क्वेश्चन नट मी वन थिंग अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम जीरो है ठीक है अगर आपका चेंज इन द वॉल्यूम जीरो है चेंज इन वॉल्यूम जीरो है मतलब क्या डी वी बाई वी में से डी वी जीरो हो गया ठीक है और अगर आपका डी वी जीरो हो गया तो ये क्या बनेगा जीरो इज इक्वल टू डी एल बाई एल एंड दैट साइड यू हैन माइनस टू सिग्मा यू टेक इट हियर दैट पार्ट बिकम एज जीरो This gives 1 is equal to 2 sigma, which gives sigma as half, which is equal to 0.5. तो याद रखो जबी भी किसी भी मटीरियल के लिए अगर पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.5 हो गया that time your change in the volume is going to be जीरो ठीक है Similarly, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया These are you know just some concepts जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकेंगे यहाँ पर अभी मैंने वॉल्यूम लिया उसको डिफरेंशिएट किया and then I could derive this फॉर्मूला सिमिलरली वॉट एल्स आई कुड डू इज आई कुड टेक सिलेंडर के बारे में वॉल्यूम पढ़ा सिलेंडर का एरिया लेकर सोल्व करता है सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टू बाई आर एच जो टू बाई आर एच को मैं लिखूंगा टू बाई आर एल तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन फिर यहाँ पर क्या किया डेरेवेटिव लिया तो मैं इधर भी क्या करूंगा डेरेवेटिव लूंगा पार्सल डेरेवेटिव एरिया क्या हो जाएगा अटल में डी ए टू पाई कॉन्सेंट है अंदर क्या हो जाएगा पहले आर डी एल फिर हो जाएगा एल डी आर राइट आई एम अप्लाइंग यू इन टू वी यू डेरीवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरीवेटिव ऑफ यू और अगर मैंने टू पाई को अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू टू पाई आर डी एल प्लस टू पाई एल डी आर एंड देन दिस इज गोइंग टू बी माई स्टेप टू एंड नाउ आई वॉन्ट टू डिवाइड टू बाई वन ठीक है आई वॉन्ट टू डिवाइड स्टेप टू बाय स्टेप वन ओके डिवाइड स्टेप टू बाई स्टेप वन अब अगर आप टू को वन से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा टेल मी ऑन द लेफ्ट हैंड डी ए बाई ए डी ए बाई ए और यहाँ पर क्या है टू पाई आर डी एल प्लस टू पाई एल डी आर अपॉन दिस थिंग विच इज वॉट टेलमी टू पाई आर एल ठीक है अपॉन टू पाई आर एल तो लेफ्ट में आपके पास क्या है लेफ्ट में है डी ए बाई ए और अगर आपने इसको स्प्लिट किया तो देखो टू पाई आर टू पाई आर कट हो जाएगा इधर क्या बचेगा डी एल बाय एल और अगर आपने राइट में स्प्लिट किया तो टू पाई एल कट हो जाएगा और इधर क्या बचेगा डी आर बाई आर ठीक है और जैसा कि हमें पता है पॉजिशन रेशो के डेफिनेशन से डी आर बाई आर देखो ना यहाँ पर आपने डी आर बाई आर को क्या सब्सिट्यूट किया था इफ़ यू रिमेंबर डी आर बाई आर आपने इसके पहले देखा भी होगा बोर्ड पे लिखा होगा कहीं पे डी आर बाई आर क्या होता है माइनस एकमा डी एल बाई एल तो दैट ऑल्सो यू कैन पुट इट हियर तो ये क्या बनेगा डी ए बाई ए इज डी एल बाई एल एंड डी आर बाई आर डी आर बाई आर की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट व्हाट टेल मी माइनस सिग्मा डी एल बाई एल सो देन यहाँ से भी आई कैन टेक डी एल बाई एल कॉमन आई विल गेट वन माइनस सिग्मा ठीक है तो अभी मेरे पास और एक रिलेशन है डी ए बाई ए दिस विल बी वॉट एरियल स्ट्रेन मतलब क्या चेंज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया डी एल बाई एल क्या है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और सिग्मा क्या है सिग्मा इज ियस यहां पर वो क्या है पॉइंस रेशियो ठीक है जैसा यहां पर एक क्वेश्चन बना दैट इफ द चेंज इन द वॉल्यूम इज जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ये क्वेश्चन था इफ द चेंज इन द वॉल्यूम इज जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा यू कैन मेक अ क्वेश्चन हियर आल्सो आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस सो आई एम नॉट राइटिंग बट यू गाइज गॉट टू राइट इट क्या लिखोगे इसके बाद एक क्वेश्चन इफ यहां पर आप लिखोगे इफ चेंज इन द एरिया इज जीरो मतलब एक ऐसा बैठ जिसको आप खींचे एरिया चेंज नहीं हुआ

वन तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखने जब सिग्मा की वैल्यू वन हो जाएगी वायर का एरिया चेंज नहीं होने वाला और जब सिग्मा की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगी आपके वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला ठीक है सो पॉइजन रेशियो पे ऐसा डेफिनेशन है, है और ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके सो दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट दे अस यू नो इन द फॉर्म ऑफ एम सी क्यूज अच्छा किसी किसी बुक में ठीक है किसी किसी बुक में अभी हम लोगों ने सिग्मा का जो डेफिनेशन लिखा था उसमें नेगेटिव साइन था इन सम ऑफ द बुक्स दैट नेगेटिव साइन इज मिसिंग ठीक है अच्छा वो नेगेटिव साइन डिनोट क्या करता है इफ यू कैन टेल मी द नेगेटिव साइन डिनोट दैट दर इज डिक्रीजिंग क्वान्टिटी एंड वॉट क्वान्टिटी इज डिक्रीजिंग इज इट द लेंथ क्या लेंथ कम हो रहा है डेफिनेटली नहीं लेंथ तो बढ़ रहा है ना वायर पे जब आप वजन लटका दोगे लेंथ बढ़ेगा तो क्या कम हो रहा है क्या एरिया कम हो रहा है आंसर इज़ यस एरिया कम हो रहा है और एरिया कम हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है रेडियस कम हो रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग तो रिम्बर एक चीज़ कि जब एरिया कम होता है रेडियस कम होता है अच्छा वैसे एरिया और रेडियस का भी रिलेशन बनाया जा सकता है राइट वायर के लिए एरिया क्या होगा डल में वायर के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायेर तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो दैट डी ए बाई एज गोड पाई तो कॉन्सेंट है ना तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब कितना टू डी आर बाई आर ऐसा भी आप रिलेशन आ सकता है कि अगर आपको यू नो चेंज इन रेडियस पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पूछा है तो दैट इज गोइंग टू बी वट हाफ टाइम्स फ्रैक्शनल चेंज इन द एरिया या फिर अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस दे दिया है और अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पूछा है तो क्या कर देना डबल कर देना अभी ये देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मेजरमेंट चैप्टर के हैं तो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रश अप करवा देता हूँ तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ऑल दिस थिंग्स तो रिमेंबर एरिया इस बोटल मी पाई पाईआर स्क्वायर तो डी ए वाई कितना हो जाएगा टू टाइम्स डी आर बाय आर हो जाएगा इज दट फाइन सो देन दिस इज ऑल अबाउट आवर पॉइजन्स रेशियो सो नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल यू नो कॉन्सेप्ट फॉर टूडेज लेक्चर आफ्टर विच वी एम सी क्यूज दैट इज कि जैसे मान लो देर इज अ फिक्स्ड सीलिंग एंड लेटस से दिस इज अर एंड ऑन दिस वायर आई एम गोइंग टू पुट सम लोड ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोड रखूंगा ना वैन यू पुट दिस लोड दिस लोड इज गोइंग टू एक्सटेंड द वायर एंड वैन द वायर गेट्स एक्सटेंडेड वो थोड़ा सा लोड डिसप्लेस होगा वायर भी लंबा हो रहा है ये वायर को खींच रहा है मतलब कहना है दिस लोड और ग्रेविटी हैज समन सम वर्क मुझे चाहिए कि ये लोड को जब ग्रेविटी पुल करेगा लोड आएगा नीचे वायर होगा एक्सटेंड होगा तो वायर को एक्सटेंड करना मतलब क्या वायर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा और उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी कुछ ना कुछ वर्क करेगी आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वर्क डन ठीक है आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वर्क डन एंड वी नो दैट वर्क डन का फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट राइट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट अब देखो डेरीवेशन कुछ इस तरह सा है कि इनिशियली ओके इनिशियली आपका वायर यहाँ तक है ठीक है इनिशियली आपका वायर यहाँ तक है एंड आपने कोई भी लोड नहीं रखा है आपने बिल्कुल वजन नहीं रखा एक किलो दो किलो पाँच किलो कोई भी वजन नहीं रखा है अब जाहिर सी बात है जब देर इज़ नो लोड राइट वेन देर इज़ नो लोड नो no लोड इसका मतलब क्या होगा देर इज नो एक्सटेंशन राइट इफ देर इज नो लोड देर इज नो एक्सटेंशन ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैंने थोड़ा सा वज़न रखा एक किलो एक किलो वज़न रखोगे तो ये वायर थोड़ा सा लंबा होगा मैंने थोड़ा और वज़न रखा तो थोड़ा सा और लंबा हुआ मैंने थोड़ा और वेट रखा थोड़ा और लंबा हुआ थोड़ा और वेट रखा थोड़ा और लंबा हुआ थोड़ा और वेट रखा थोड़ा और लंबा हुआ मतलब क्या मैंने धीरे धीरे फ्रॉम नो लोड टू अ लोड ऑफ़ एफ मैंने वेट बढ़ाया फ्रॉम नो लोड टू अ वेट ऑफ एफ मैंने क्या किया वेट धीरे धीरे, धीरे बढ़ाया और जब मैं वेट को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ फाइनली मेरा जो एक्सटेंशन हुआ ओके फाइनली मेरा जो एक्सटेंशन हुआ वो हुआ लेट अस से डेल्टा एल ठीक है तो इनिशियली आपके पास कोई लोड नहीं है कोई लोड नहीं है तो कोई एक्सटेंशन नहीं है फाइन मेक्स सेंस फाइनली आपने लोड रखा एफ़ और तब उसका एक्सटेंशन कितना हुआ डेल्टा एल बट आपने एफ़ वाला जो लोड है ना वो डायरेक्ट नहीं रख दिया आपने धीरे 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 ग्रेजुअली आपने लोड बढ़ाया तो यहाँ तक टिल दिस पॉइंट आपका जो लेंथ है ना दैट लेंथ इज एल ओके इस पॉइंट तक आपका जो लोड है इस पॉइंट तक ये जो लोड है ये जो लोड है दिस इज ये जो लेंथ है यहां तक सॉरी ये जो लेंथ है यहां तक कितना है एल है एंड फाइनली फाइनली आपका जो एक्सटेंशन हुआ that extension is delta है दैट एक्सटेंशन इज डेल्टा एल ठीक है बट आई से यहां से लेके यहां तक ओके okay? यहां से लेके यहां तक कभी ना कभी तो ये एक्सटेंशन इतना रहा होगा राइट right? यहां से लेके यहां तक आपका जो लेंथ बढ़ा उसमें कभी ना कभी तो ये इधर हो मैंने क्या बोला धीरे 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 वेट बढ़ाया ना तो कभी ना कभी तो ये इधर होगा राइट right? जब ये यहां पर है तब आपका एक्सटेंशन कितना है ये सी एट दिस पॉइंट योर एक्सटेंशन इज जीरो एट दिस पॉइंट योर एक्सटेंशन इज डेल्टा इज बट देर इज एन एक्सटेंशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तो इन दोनों के बीच में भी तो एक एक्सटेंशन है दैट एक्सटेंशन आई एम राइटिंग एज एक्स ठीक है दैट एक्सटेंशन आई एम राइटिंग एज एक्स एट दिस पॉइंट द लोड इज जीरो पॉइंट द लोड इज कैपिटल एफ तो इस जगह पर भी तो कुछ ना कुछ लोड रखा होगा मैंने सो दैट लोड आई एम राइटिंग इट एज वॉट एफ एंड वेन आई विल पुट दिस लोड एज एफ इस एफ की वजह से भी तो थो थो थोड़ा डिसप्लेसमेंट होगा तो मान लो ये इतना लंबा करके गया वायर को एंड दिस इज डी एक्स एक बार और पहले आपका वायर था यहां तक यहाँ तक था वायर मतलब क्या लेंथ कितना एल आपने इनिशियली वायर पे बिल्कुल वेट रखा नहीं है बिल्कुल लोड रखा नहीं है तो देर इज नो लोड नो लोड मतलब क्या नो एक्सटेंशन फाइन फेयर इनफ फिर आपने थोड़ा सौ ग्राम दो सौ ग्राम पाँच सौ ग्राम एक किलो दो किलो पाँच किलो दस किलो धीरे 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 वेट बढ़ाते गए फाइनली वेट बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ तक पहुंचे एफ तक पहुँचे और जब एफ पहुँचे तब आपका एक्सटेंशन कितना हुआ डेल्टा एल बट जीरो से एफ पहुँचते पहुँचते या एक्सटेंशन को जीरो से डेल्टा एल होते होते कभी ना कभी तो वायर इतना लंबा हुआ होगा जब वायर इतना लंबा हुआ है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स एंड तभी भी तो मैंने कुछ वेट रखा होगा तो जो मैंने तब वेट रखा दैट इज एफ

एक्सटेंशन you know, कितना हुआ डेल्टा एल राइट सो नाउ टेल मी व्हेन द फोर्स इज एफ इफ आई वांट टू अप्लाई द सेम लॉजिक ओके आल्सो ये देखो यंग्स मॉडलर्स तो मटेरियल है आई मीन प्रॉपर्टी का आई मीन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल तो वायर को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो मटेरियल तो वही रहने वाला है तो यंग्स मॉडलर्स इज स्टिल द सेम बट एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट वट इज द फोर्स अप्लाइड एफ ये एल क्या होता है ओरिजिनल लेंथ ए मतलब क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट दिस पॉइंट आपका एक्स डेल्टा एल का मतलब होता है एक्सटेंशन तो एट दिस पॉइंट एक्सटेंशन कितना है एक्स तो यहां से आपको एफ क्या मिलेगा एफ मिलेगा आपको वाई ए एक्स अपॉन एल आई होप आपको ये समझ में आ रहा है देखो जब आपने फोर्स अप्लाई किया कैपिटल एफ तब आपका एक्सटेंशन हो चुका है डेल्टा एल बट ड्यूरिंग द फोर्स ऑफ स्मॉल एफ एक्सटेंशन इज ओनली एक्स तो मैंने इस फॉर्मेट में भी एक फार्मूला लिखा यंग्स मॉड्यूल का और इस फॉर्मेट में भी एक फॉर्मूला लिखा यंग्स मॉड्यूल का तो यहाँ से मुझे एफ का ये वैल्यू मिला ना वट इज वर्क डन टेल मी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट द फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड एट दिस पॉइंट ये इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए और बी तो पॉइंट ए पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया इतना विच इज वॉट मी वाई ए एक्स अपॉन एल इन टू पॉइंट ए पर ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ड्यू टू दिस स्मॉल एफ ड्यू टू दिस स्मॉल एफ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी एक्स तो यहाँ पर क्या करोगे आप डी एक्स नाओ डेफिनेटली ये जो एक्स है वो वेरिएबल है इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पर इंटीग्रेट क्योंकि एक्स आपका एक्सटेंशन है ना ये एक्स धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते वो फाइनली कितना हो रहा है डेल्टा एल तो आपके लिमिट्स कहाँ से आएंगे एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल ओके एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो टू डेल्टा एल नाउ वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट दैट गोज़ आउट एरिया ऑफ क्रससेक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट दैट गोज आउट एल इज़ अ कॉन्स्टेंट दैट गोज आउट अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल ओके इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एल मी एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल तो ये क्या होने वाला है ये होने वाला है वाई ए एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना होगा एक्सक्वायर बाई टू राइट कितना हो जाएगा एक्सक्वायर बाई टू फ्रॉम वेर टू वेर ज़ीरो टू डेल्टा एल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ए एल पहले आप अपर लिमिट डालोगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो डाला तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा तो कितना हो गया वाई ए अपॉन एल टाइम्स टू ये कितना है डेल्टा एल का स्क्वायर है तो मैं उसको दो बार लिखता हूँ और इस तरफ क्या है वर्क डन डब्ल्यू ठीक है ना यह, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो व्हाट इज़ कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ़ क्या होता है वाई ए डेल्टा एल बाई एल राइट कैपिटल एफ क्या होता है वाई ए डेल्टा एल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है देखो वाई ए डेल्टा एल बाय एल तो आप इसको कैपिटल एफ रख सकते हो सो नाउ द विल फॉर्मूलाम वॉटल मी नाउ द फॉर्मूलाम डब्ल्यू इज इक्वल टू ये टू है ना तो मैं लिख रहा हूँ हाफ इं इस पूरे जगह पे मैं लिखता हूँ एफ इन डेल्टा एल सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि वर्क कितना होता है जब भी आप वायर को एक एक्सटेंड एक्सटेंशन देते हो तो वर्क डन इस वॉटल में हाफ

दैट एनर्जी इस कॉल्डर्स बॉटल में स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी ये स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ नाम है आप जब भी कोई वर्क करते हो किसी भी बॉडी पर तो वो उसका एनर्जी बन जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है इसको आप ग्राउंड मान लो यहाँ पर ये यह पेन है तो वट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाइट कितना है ग्राउंड से ज़ीरो अब मैं इसको उठा के इधर रख दिया तो मेरे हाथ ने क्या किया वर्क लेकिन ग्राउंड तो अभी भी नीचे ये इस पेन का क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी अब अगर मैं आपसे पूछूँ वॉट इज एम जी एच तो आप क्या करोगे एम जी एच और ये वाला हाइट लो गे आप राइट right? तो मेरा वर्क इस पेन का क्या बन गया एनर्जी उसी तरह ग्रेविटी का वर्क इस वायर का क्या बन गया एनर्जी एंड दैट एनर्जी एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन जिसका क्या होता है into into है लोड एक्सटेंशन ठीक अब ये आप कॉपी कर लेना ठीक है डेरिवेशन डेफिनेटली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है सिलेबस में है हम पढ़ लेंगे बट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल रिजल्ट स्ट्रेन एनर्जी का फाइनल रिजल्ट विच इज टेल मी हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन राइट हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन सो नाव अगर मैं लिखता हूं यहां पर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वापस से स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन आप है ना दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो यहां पर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और लोड को मैं लिखूं एफ और एक्सटेंशन को मैं लिखूँ डेल्टा एल मैंने दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पर भी वॉल्यूम से डिवाइड करना है वॉल्यूम मतलब क्या एरिया एंड टू लेंथ इधर एरिया लिखा इधर लेंथ लिखा चलेगा नाउ व्हाट इज एफ अपॉन ए एफ अपॉन ए बन जाता है स्ट्रेस व्हाट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल ये बन जाता है स्ट्रेन तो आपका फॉर्मूला और ही क्या बनेगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम Is half into into strain, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो वट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना तो आप एक काम कर दो स्ट्रेस को रिप्लेस कर दो किससे वाई इंटू स्ट्रेन से तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू वाई इन स्ट्रेन का स्क्वायर या फिर एक काम कर दो स्ट्रेन को रिप्लेस कर दो स्ट्रेस अपॉन वाई से तो यह फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई तो ऑल दीज आर द फॉर्मूले बट याद रखना ये फार्मूला किसके लिए है ये है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ इंटू टोटल लोड इंटू टोटल एक्सटेंशन बट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इस पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है यार आपको स्ट्रेस दिया जाएगा स्ट्रेन दिया जाएगा एनर्जी पूछेंगे या तो फिर एनर्जी दिया जाएगा स्ट्रेन दिया जाएगा स्ट्रेस पूछेंगे अगर आपको स्ट्रेस पूछा है तो शायद हो सकता है कि आपको एरिया दिया हो फोर्स पूछा हो तो स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस मतलब क्या फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस निकाल लेना फोर्स दिया रहेगा एरिया पूछा जाएगा या फिर हो सकता है कि रेडियस पूछे तो एरिया निकाल के रेडियस निकाल लेना ऐसे ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाला है सो दिस वॉज द वेरी यू नो स्मॉल एंड स्वीट डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर इलास्टिसिटी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ना इसके एम सी में ज़्यादा दम है एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट but not very difficult topic so that's why it is not consuming a lot of time neither by me to teach nor by you to explain and learn and to practice so next time when we meet we will start with the mcqs and hopefully we will be able to finish with all the mcqs in one lecture only so see you in the next lecture class till then stay fit stay healthy thank you